A zindabad 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 Zindaba zindabad hemadi zindabad Zindaba zindabad hemadi zindabad अहमदिया जिंदाबाद अहमदिया जिंदाबाद आज चिरागा हर घर में है आज खुशी हर दिल में है नई सदी में हम दाखिल है शुक्र खुदा का हर दिल में है दिया जिंदाबाद अहमदिया जिंदाबाद करते थे सदियों से, 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 से जिसका वो मेहदी है आ चुका आए गाना और कोई अब आने वाला आ चुका अहमदिया जिंदाबाद अहमदिया जिंदाबाद परचम हम इस्लाम का हर दम दुनिया में लहराएंगे काटे चाहे लाख बिछा दो कदम बढ़ाते जाएंगे Madiyat zindabad, baad, zindabad, Madiyat zindabad, zindabad, zindabad. من بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहार अहम करने वाला बिन मांगे देने वाला

ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो तुम पर भी रोजे उसी तरह फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बनो أيام معدودات فمن كان منكم مجيضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له चंद दिन ही तो हैं, बस जो भी तुम में से मरीज हो या सफर पर हो तो उसे चाहिए कि वो उतनी मुदत के रोजे दूसरे अयाम में पूरे करे और जो लोग इस बात की ताकत रखते हो उनको उस अरसे का फिदिया मस्किनों को खाना खिलाकर देना होगा बस जो कोई भी अपनी भलाई की खातिर फर्ज से बढ़कर ने की करे तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है और अगर तुम रोजे रख सको तो ये बेहतर है काश तुम इल्म रखते उसके फवायद का شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفضل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعد عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا रमादान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया बनी नौ इंसान के लिए हिदायत है और जो निहायत वाजे और खुली खुली रहनुमाई करने वाला है और हक बातिल में इम्तियाज करने वाला है बस जो भी तुम में से इस महीने को पाए तो इसके रोजे रखे और जो भी मरीज हो या सफर पर हो तो इस मुद्दत के रोजे दूसरे अयाम में रखे खुदा ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता ताकि तुम सहूलत से इद्दत को पूरा करो और अल्लाह ताला की तकबीर करो उस हिदायत की बिना पर जो उसने तुम्हें अता की اور تم شکر کرو. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليس जजीबोली मीनू बी वल यू मीनू बी और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुतालिक पूछते हैं तो यकीनन मैं तो करीब हूं मैं दुआ करने वाले का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है बस उन्हें भी चाहिए कि मेरे तकाजों को पूरा करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون तुम्हारे लिए रमजान की रातों में अपनी बीवियों से ताल्लुक जायज करार दिए गए हैं वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो अल्लाह जान चुका है कि तुम अपने नफ्सों का हक मारते रहे हो बस वो तुम पर रहमत के साथ झुका और तुमसे दरगुजर फरमाया बस अब से उनके साथ इस दिवाजी ताल्लुक कायम करो और बेशक इसकी ख्वाहिश करो जो खुदा ने तुम्हारे हक में लिख रखा है और खाओ और पियो यहां तक के आगाज सुबह पर सुबह की सफेद की धारी रात की स्याही की धारी से अलग साफ मुमताज हो जाए फिर रोजे को रात तक पूरा करो और उनसे इस दिवाली ताल्लुक इस अरसे में कायम ना करो जब तुम मसाजिद में इतका बैठे हुए हो ये अल्लाह तला की कायम करदा हदूद हैं बस इनके करीब ना जाओ इसी तरह अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करें बिल बातुदलुतुदलु बीह كامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّن أَمْوَالِ النَّاسِ ۖ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّن أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ ۖ और खुद अपने ही अम्वाल अपने दरमियान झूठ फरेब के जरिए न खाया करो और इस तरह कि तुम वो अम्वाल हुकाम के हजूर पेश करो ताकि कौमी दौलत में से कुछ तुम खा सको गुनाह के तरीक पर ऐसी हालत में कि तुम अपने इस फेल से बाखबर हो अहमदियत जिंदाबाद 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 अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदेयत जिंदाबाद अहमदेयत जिंदाबाद बिस्मान अस्सलामुअलैकुम असलामैक्म वरम्त लाही वा सामिने कराम प्रोग्राम रेडियो अहमदिया पे अतौलखुदोस्ताहिर आपको खुश आमदेद कहता है रेडियो अहमदिया आपकी खिदमत में हर इतवार की शाम छः से आठ बजे के दरमियान एम थर्टीन फिफ्टी पे ट्रांटो और एम सिक्सटीन टेन पे मॉन्ट्रियाल में बैक वक्त पेश किया जाता है अगर आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है डब्ल्यू 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 डॉट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए और इस वेबसाइट पर आपको हमारे गुजशत प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती हैं सामिन कराम प्रोग्राम रेडियो अहमदिया का मकसद एक खुशगवार माहौल में आपके सामने अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम की तलीमत और अकायद कुरान करीम और नबी करीम आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लासम की अहादीस मुबारका की रोशनी में पेश करना है और इस हवाले से हमारे साथ जमत अहमदिया के कोई नुमाइंदा मौजूद होते हैं जो आपके सामने इब्तई कलमत पेश करते हैं और फिर सामिन कराम आपको दावत दी जाती है कि आप बजरिया फोन या ई मेल प्रोग्राम में शामिल हों अपने सवाल पेश करें और हमारे मौजिज मेहमाना ने ग्रामी उन सवाल के जवाब देते हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा फोन नंबर नोट फरमा लें फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन और सामिन इकराम अगर आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया में बज़रिया ई मेल शामिल होना चाहें अपने सवाल भेजना चाहें या दौरान हफ्ता हमसे कोई इंक्वायरी वगैरह करना चाहें तो उसके लिए हमारी आई डी नोट फरमा लें क्यू एनि क्वेश्चन आंसर ऐट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए क्यू क्वेश्चन आंसर ऐट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए सामिन प्रोग्राम मेंबि साहब मौजूद हैं हम आपको प्रोग्राम में जी वाल वरक सामिन इक्राम आपको मालूम है कि अब्दुल्लुर साहब एक तवील अरसे रेडियो अहमदिया से वास्तव हैं जामिया अहमदिया नार्थ अमेरिका में शोभा तदरीस से वाबस्तता हैं आज के हमारे प्रोग्राम के मेन मेहमान यही होंगे प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाव सहेब अहमद साहेब भी मौजूद हैं हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं सोहेब साहब अल्लाम वरम वाल सामिन नूर आबिद साहब आज के प्रोग्राम में माह रमज़ानक माह रमज़ानमबारक की मुनासबत के हवाले से कुरान करीम के हवाले से आज का प्रोग्राम पेश करेंगे और ख़ास तौर पर आपका फोकस जमात अहमदिया ने कुरान करीम की जो खदम्त आलमी तौर पर अदा की हैं उसका कुछ तारफ़ आप खिदमत में पेश करेंगे जी आप इस जी वालकाम वरम्ह जजाक मल्ल तलकदूस साहेब बात यह है कि आजकल हम रमजान अल मुबारक के महीने से गुजर रहे हैं और जहाँ तक कुरान करीम की बात है तो कुरान करीम का रमज़ान से एक गहरा ताल्लुक़ है अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है सूरतलबकर मेंउिल्लि नशिजीम बसम शाहरु रमज़ान अजी उनज़िला फ़ील कुरान के रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरान करीम का नज़ुल हुआ नज़ुल के हवाले से भी मुख्तफ जो मुफसरिन हैं वो मुख्त आरा बयान करते हैं और जमहूर के नज़दीक कुरान करीम का जो नज़ूल है वो कुरान जो रमज़ान है उसके आख़िरी अशरे में हुआ पूरी दुनिया में जहाँ पे भी मुसलमान बसते हैं रमज़ान में कुरान करीम की तिलावत पर एक जोर दिया जाता है और ये कोशिश की जाती है और लोगों को ये बताया जाता है कि कुरान करीम पढ़ें कुरान करीम के मतालिब समझने की कोशिश करें और इसी तरह हमारी जो जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं कि जमात अहमदिया ख़ास तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर या जो बड़े दरूस होते हैं उसकी बुनियाद पर क़ुर करीम के जो जोम हैं या उसके दरूस हैं उसका सिलसिला जारी रखती है और इसी तरह जो मुख्तफ मौक़े हैं मुख्तफ़ प्रोग्राम्स हैं उसे कुरान करीम की रोशनी में तश्किल दिए जाते हैं तो बहरहाल बात चल रही थी रम़ान की मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी मुसलमान आबाद हैं कोशिश ये करते हैं कि रमज़ान में कम से कम एक दफ़ा कुरान करीम का दौर मुकम्मल किया जाए और इसकी वजह ये है कि नबी अकरम अक्रम सल वम ने फरमाया कि हजरत ज़िब्राइल हर रमज़ान में तशीफ़ लाते और जितना कुरान करीम नाजिल हो चुका होता वो उसकी दोहराई करवाते इस बहुत प्यारी सुन्नत को जारी रखने के लिए हम भी ये कोशिश करते हैं कि क़ुरान करीम का एक दौर कम अज़ कम इस मुबारक अयाम में मुकम्मल किया जाए और ये जो अयाम है उसकी ये एक याद ताज़ा करा कराते हैं इसी तरह जब रसूल मकबूल अलैहि वसल्लम का आखिरी साल था उस वक्त की रवायात मिलती हैं कि जो आखिरी रमज़ान प्यारे हजूर ने गुज़ारा उस रमज़ान में हजरत इब्राहल ने दो दफ़ा कुरान करीम का दौर है जो मुकम्मल कराया है तो इस तरह मुसलमान जो हैं जहाँ पर भी बसते हैं कोशिशें करते हैं ख़ुद भी ना सिर्फ ख़ुद बल्कि अपने बच्चों को भी इस बात का पाबंद करते हैं कोशिशें करते हैं तरगीब दिलाते हैं बाज़ जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें आ, आ, किसी इनाम का कह के या किसी और तरीक़ से उनको ये बहरहाल एक महब्बत का एक समा पैदा किया जाता है कि बच्चों के दिलों में भी कुरान करीम की एक जो महब्बत है वो कायम हो तो इसके लिए मुख्तफी वसीले भी किए जाते हैं तो जैसा कि मैंने अर्ज़ की है कि कुरान करीम का ताल्लुक़ रमज़ान से बहुत गहरा होता है और ख़ास तौर पर हम जो इस आखिरी अशरे से गुजर रहे हैं जिसके बारे में रसुल अक्रम ने दो बुनियादी बातें हमारे सामने रखी हैं एक ये है कि ये अशरा आग से बचाव का है और दूसरी बात ये की कि इसकी जो ताक रातें हैं उसमें कदर को तलाश करो तो ये वो दो बुनियादी बातें हैं जिसकी तरफ़ हमारे रसुलकरम सल्ला वल्म ने इन ख़ास दिनों की तरफ इशारा करते हुए बयान फ़रमाई हैं हज़रत अकदस मसीह माऊद सलाम को भी कुरान करीम से बेपना मोहब्बत थी हजूर फरमाया करते थे कि कुरान जवाहरात की थैली है और हजूर एक जगह पर फरमाते हैं कि जो क़ुरान करीम है वो तमाम जो समावी कुतुब हैं उस पर फोकियत रखती है तो इस हवाले से हज़रत अकदस मसीह माऊद माऊदल की मुख्तफ़ किताबों में जो कुरान करीम की अज़मत बयान की गई है उनके चंद नमूने हम आपकी ख़िदमत में लेकर हाजिर हुए हैं वो इन सुहेब साहब से दरखास्त करूँगा कि वो उसको जो मुख्तफ हवाले वो लेकर आए हैं आज के प्रोग्राम के लिए वो हमारे सामने इनके सामने रखें जजाकलाूराम साहिब आज़बलतरीम बसमीम नहमदहून सककरीमअमऊद हज़रत अक्तस मसीह अक्स मसी मऊदलाम अपनी तहरीर किताबुलब्रिया में फ़रमाते हैं हम इस बात के गवाह हैं और तमाम दुनिया के सामने इस शहादत को अदा करते हैं कि हमने इस हकीकत को जो खुदा तक पहुँचाती है क़ुरान से पाया हमने उस खुदा की आवाज़ सुनी और उसके पुरजोर जोर बाजू के निशान देखे जिसने कुरान को भेजा सो हम यकीन लाए कि वही सच्चा खुदा और तमाम जहानों का मालिक है हमारा दिल इस यकीन से ऐसा पुर है जैसा कि समंदर की जमीन पानी से सो हम बसीरत की राह से इस दीन और इस रोशनी की तरफ हर एक को बुलाते हैं हमने उस नूर हकीकी को पाया जिसके साथ सब जुलानी पर उठ जाते हैं और गैरुल्ला से दर हकीकत दिल ठंडा हो जाता है यही एक राह है जिससे इंसान नफसानी जज्बात और जुलमात से ऐसा बाहर आ जाता है जैसा कि सांप अपनी कैंसली से बहुत बहुत शुक्रिया फिर हजूर अपनी तहरीर इस्लामी असूल की फिलासफी में मजीद वजाहत करते हुए फरमाते हैं वो खुदा जिसके मिलने में इंसान की निजात और दायमी खुशहाली है वो बजूज कुरान शरीफ़ की पैरवी के हरगज़ नहीं मिल सकता काश जो मैंने देखा है लोग देखें और जो मैंने सुना है वो सुने और किस्सों को छोड़ दें और हकीकत की तरफ दौड़ें वो कालिम वो कामिल इल्म का ज़रिया जिससे खुदा नज़र आता है वह मैल उतारने वाला पानी जिससे तमाम शकूक दूर हो जाते हैं वह आईना जिससे उस बरतर हस्ती का दर्शन हो जाता है खुदा का वो मुकालमा और खुबा मुखातबा है जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ जिसकी रूह में सच्चाई की तलब है वो उठे और तलाश करे मैं सच सच कहता हूँ कि अगर रूहों में सच्ची तलाश पैदा हो और दिलों में सच्ची प्यास लग जाए तो लोग इस तरी उस तरीक को ढूंढें और उस राह की तलाश में लगें मगर ये राह किस तरीक़ से खुलेगी और हिजाब किस दवा से उठेगा मैं सब तालबों को यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ इस्लाम ही है जो इसराह की खुशखबरी देता है और दूसरी कौमें जो खुदा के इल्हाम पर मदत से मोहर लगा चुकी हैं सो यकीनन समझो कि ये खुदा की तरफ से मोहर नहीं बल्कि महरूमी की वजह से इंसान एक हीले पैदा कर लेता है एक हीला पैदा कर लेता है और यकीनन समझो कि जिस तरह ये मुमकिन नहीं कि हम बग़ैर आँखों के देख सकें या बग़ैर कानों के सुन सकें या बग़ैर जुबान के बोल सकें उसी तरह ये भी मुमकिन नहीं कि बग़ैर कुरान के उस प्यारे महबूब का मुंह देख सकें मैं जवान था अब बूढ़ा हुआ मगर मैंने कोई ना पाया जिसने बगैर उस पाक चश्मे के उस खुली खुली मार्फत का प्याला पिया हो ज़ाकर ज़ाकर था। था। <laughs> फिर हजूर अपनी तहरीर अजाला में मजीद फरमाते हैं सबसे सीधी राह और बड़ा जरिया जो अनवारी यकीन और तवार से भरा हुआ और हमारी रूहानी भलाई और तरक् के लिए कामिल रहनुमा है कुरान करीम है जो तमाम दुनिया के दीनी नजाओं के फैसल करने के मुतकफिल होकर आया है जिसकी आयत आयत और लफ्स लफ्स हज़ारहा तौर का तवार अपने साथ रखती है और जिसमें बहुत और जिसमें बहुत सा आब हयात हमारी ज़िंदगी के लिए भरा हुआ है और बहुत से नादर और बेश कीमत अपने अंदर मख् रखता है जो हर रोज जाहिर होते जाते हैं यही एक उम्दा महक है जिसके जरिए से हम रास्ती और ना रास्ती में फर्क कर सकते हैं यही एक रोशन चुराग है जो एन सच्चाई की राहें दिखाता है बिलाशुबा जिन लोगों को राह रात से मुनासबत है और एक किस्म का रिश्ता है उनका दिल कुरान शरीफ की तरफ खींचा चला जाता है और खुदा करीम ने उनके दिल ही इस तरह के बना रखे हैं कि वह आशिक की तरह अपने इस महबूब की तरफ झुकते हैं और बगैर उसके किसी जगह करार नहीं पकड़ते और उससे एक साफ और शरीफ बात सुनकर फिर किसी दूसरे की नहीं सुनते उसके हर यक उसकी हर यक सदाकत को खुशी से और दौड़ कर कबूल करते हैं और आखिर वही है जो अशराक और रोशन ज़मीरी का हो जाता है और अजीब दर अजीब इनकशाफात का जरिया ठहरता है और हर यक को हसप इस्त में राज तरक्की पर पहुँचाता है रास्तबाजों को कुरान करीम के अनवार के नीचे चलने की हमेशा हाजत रही है और जब कभी किसी हाजत जदीदा ज़माना ने इस्लाम को किसी दूसरे मजहब के साथ टकरा दिया है तो वो तेज़ और कारगर हथियार जो फिलफोर काम आया है कुरान करीम ही है फिर हजूर अपनी तहरीर आयना इस्लाम में फरमाते हैं अल्लाह की कसम वो एक अनमोल मोती है जिसका जाहिर बातिन नूर है और उसके ऊपर भी नूर है और नीचे भी नूर है उसके हर लफ्स और हर बात में नूर है वो ऐसी रूहानी जन्नत है जिसके खोशे झुके हुए हैं और जिसके नीचे नहरें जारी हैं सदत का हर फल उसमें पाया जाता है और हर किस्म का फैज़ उससे हासिल किया जाता है और उसके वर मुशक्त ही मुशक्क़त है उसके फैस के घाट आसानी से गले से उतरने वाले हैं बस खुशखबरी है पीने वालों के लिए मेरे दिल में उसके अनोार में से डाला गया है मेरे लिए मुमकिन ना था कि मैं किसी और तरीक़ से उसे हासिल कर सकता और अल्लाह की कसम अगर कुरान ना होता तो मेरी जिंदगी में मुझे कोई लुत्फ हासिल ना होता मैंने उसके हुसन को लाख यूसुफ से भी ज्यादा हसीन पाया जिसमें से जिसमें उसकी तरफ पूरी तरह झुक बस मैं उसकी तरफ पूरी तरह झुक गया और वो मेरे दिल में रच बस गया उसने मेरी ऐसी परवरिश की जिस तरह एक जनीन की परवरिश की जाती है और मेरे दिल पर उसका एक अजीब असर है और उसका हुसन मुझे मेरे नफ़्स के खिलाफ फिसला रहा है और मैंने कशवन देखा है कि जन्नत को कुरान के पानी से शराब किया जाता है और वह जिंदगी बख्श पानी का ठाठे मारता हुआ समंदर है जो उसमें पिएगा वह जिंदा किया जाएगा बल्कि वह जिंदों में से हो जाएगा फिर हजूर अपनी तहरीर ब्राही, ब्राहीन अहमदिया में फरमाते हैं कुरि शरीफ़ में जिस कदर बारिक शदाकतें दीन की औरलूम दकीका इलाहियात के और ब्राहिन कात्या असूल हक्का के मादीगर असरार मंदरज हैं अगरच वह तमाम फ़ीहदी जहाँ ऐसे हैं कि कवा बशरिया उनको बेहद मजमू दरियाफ़्त करने से आजिज़ हैं और किसी आकिल की अकल उनके दरियाफ्त करने के लिए बतौर खुद शब्कत नहीं कर सकती क्योंकि पहले ज़मानों पर नज़र इस तकरारी डालने से साबित हो गया है कि कोई हकीम या फिलसोफ इन अलूम मारिफ का दरियाफ्त करने वाला नहीं गुजरा लेकिन इस जगह अजीब बर अजीब और बात है यानी ये कि वो अलूम और मारिफ एक ऐसे उम्मी को अता किए की गई कि जो लिखने पढ़ने से ना आशना महज था जिसने उम्र भर किसी मकतब की शक्ल नहीं देखी थी और ना किसी किताब का कोई हर्फ पढ़ा था और ना किसी अहल इलम या हकीम की सोहबत मयसर आई थी बल्कि तमाम उम्र जंगलीयों और वहशियों में सुकूनत रही उन्हीं में परवरिश पाई और उन्हीं में से पैदा हुए और उन्हीं के साथ रहा। और अनपढ़ को बेखबर नहीं जाकुंगा। जाकुंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया समाप्त फरमा रहे हैं आपकी खदमत में प्रोग्राम हर इतवार की शाम छह से आठ बजे के दरमियान एम थर्टी पे ट्रांटो और एम सिक्सटी टेन पे मॉन्ट्रियाल में बैक वक्त पेश किया जाता है और सामिन कराम अगर आप इन फ्रिक्वेंसीज के बजाय हमारा ये प्रोग्राम इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है डब्ल्यू 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 डॉट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए और इस वेबसाइट पर आपको हमारे गुजशतर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती हैं प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब अब्दुल नूर आबिद साहब और सोहेब अहमद साहब मौजूद हैं माह रमज़ान मुबारक के तकदस के हवाले से कुरान करीम के बारे में प्रोग्राम का सिलसिला जारी है खासतौर पर जमाते ने करीम की जो खिदमत अंजाम दी इस सिलसिले में भी अभी अब्दुल साहब मजीद गुजारिश पेश करेंगे आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं फोर वन सिक्स सेवन जीरो सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो ई मेल शामिल होने के लिए क्यू यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉयसम डॉट सी ए क्यू क्वेश्चन आंसर एट डॉट सी ए जी अब्दुल अब्दुलरफ़ी साहब एक सवाल हमें मौसू हुआ है बज़रिया ई मेल सलीम अहमद साहब पूछना चाहते हैं कि लफ्स बुरूज के क्या मायने हैं और मिर्जा साहब ने अपने आप को हजूर सल वसम का बरूस करार दिया है तो इसकी कुछ वजाहत करते हैं जी जजाक ये जो लफ्स बरूस है ये इस पर एक और भी एतराज़ होता है वह ये कहते हैं गैर जमात ये कहते हैं कि शायद ये लफ्स गैर इस्लामी है और हज़म मसीह मौजूद पर यह भी एतराज़ करते हैं कि आपने चूँकि लफ्ज़ बरूज़ इस्तेमाल किया और ये एक गैर इस्लामी टर्मिनोलॉजी थी जो आपने इस्तेमाल की जबकि हुजूर अपनी किताब में तोहफ़ा गोल उडविया की किताब है उसमें हुजूर ने इस बात का इज़हार किया है कि ये जो टर्म है या अलाह है ये इस्लामी है अब बरूस या जिल् किस कहते हैं असल में तो मामला ये है समझने वाला अगर तो कोई ऐसी टर्म है पहले तो ये देखना चाहिए कि इस्लाम की अतलाहत जो है वो बनाने वाले कौन हैं अगर तो रसूल रसुलकरम सहत वज़ा कर गए हैं और ये फरमा दिया कि आज के बाद किसी और किस्म की असलाह की ज़रूरत नहीं है तो फिर तो हम मान लेते हैं लेकिन एक तरफ तो आप ये माने कि जो मुखल अकाबरीन हैं मुफसरन हैं उन्होंने मुख्तलिफ असलाहत वदा की हैं और दूसरी तरफ आप इस चीज़ का बाउंड कर दें एक मसलक को कि आप असलाहत ना बनाएं तो शायद ये ज़्यादती होगी लेकिन ये तो एक अमूमी बात है लेकिन जहाँ तक लफ्ज़ बरूस का ताल्लुक है और इस्लामी असलाह इस्तला ना होने का ताल्लुक है ये महज हमारे जो गैर जमात दोस्त हैं जो इस गलती में मुबला होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ना है और कम इमी बल्कि इसको कहना चाहिए ये जो असलाहत हैं मुख्तफ काबरीन इसको इस्तेमाल करते रहे हैं और ख़ास तौर पर आ, ये मैं बात बता दूँ कि जो मेहदी और मसीह ने आना था उसके मतलब लाजमी तौर पर बरूस के या ज़िल के अल्फ़ाज़ मुखलिफ अकाबरीन इस्तेमाल करते रहे हैं अब जो असल सवाल है वो ये है कि बुरू किस को कहते हैं या ज़िल किस को कहते हैं तो इसके आम सदा मानी अगर मैं करूँ तो उसके मानी हैं अक्स के शेडो के बरूस के अगर ये माने लिए जाएं क्योंकि अकलन बरूस के तीन माने मुतवर हो सकते हैं एक माना ये है कि नाउज बिल्ला रसूल अक्रम सल वसम का हम मरतबा अपने आप को मिर्जा साहब ने कहा है हम मरतबा या मरतबे में बराबर तो हमारा ये चैलेंज पहले दिन से है आज भी ये कायम है कि जमात अहमदिया का लिटरेचर उठा देख लें हमारी कोई किताब भी छुपी हुई सामीन की नज़रों से नहीं है असलाम डाट औरग ओ आर जी हमारा जो वेबसाइट है उसका पता है किसी किताब में किसी खलीफा तोमसी के मुबारक अल्फाज से आप ये निकाल सकें या दिखा सकें तो तो कोई बात बने लेकिन हम आपको ये चैलेंज के तौर पर यह बात करते हैं कि हज़र मसीह मौदुसम ने जहाँ पर भी लिखा है अपने आप को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम के ख़ादों में से लिखा है और बल्कि एक जगह पे हजूर ने फरमाया कि अगर मेरे माल जो हैं वो पहाड़ों की चोटियों के बराबर भी होते तो मैं वो चीज़ नहीं था जो कबूल किया जाता मेरी कबूलियत की वजह यह है ये है कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हलम की पैरवी करने वाला हूँ दूसरे इसके माने जो अकलन आते हैं जहन में बरूस के पहला तो मैंने बताया कि हम मरतबा होना दूसरे मानी ये अकलन ये आ सकते हैं किसी के जहन में कि एक नहीं बल्कि दो मोहम्मद हैं एक की बासत मक्का में हुई अरब में हुई और दूसरी कहीं और इन मानों के लिहाज से भी आप देखें कि जमात अहमदिया का जो लिटरेचर है वो आपके इस माने की तायद नहीं करेगा यानी ये कहीं पे भी नहीं जमात अहमदिया के लिटरेचर में ये बात लिखी हुई और ख़ासतौर तो पर अगर ये मैं बात बयान करूँ हज़रत मसीह है मौजूदा की या आपके खुलाफा की क्योंकि हमारे लिए तो मशलेरा वो हैं और उनकी जो बात है वही काबिल कबूल होगी और किसी की जो बात है उसको इतना नहीं सराहा जाएगा अगर वो कंट्रडिक्ट करें हजर मसीह मदलास्त इस्लाम की किताब से या बात से तो ये अहतमाल जो था जो अकलन किसी के जहन में आ सकता था वो भी चला जाता है तीसरा जो मानी जहन में आता है या आ सकता है वो ये है कि लफ्स मोहम्मद का इतलाक अपने ऊपर किया हो जिस तरह कुरान करीम फरमाता है व मा रमैता इज रमयता नहीं फेंकी बल्कि ये मेरा फेल था तो, तो आजरत सलम के फेल को खुदा अपना फेल करार देता है यानी कि अपने फेल का इतलाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम के फेल पर उससे मुताबत दी है अब यहाँ पे कोई ना इल्म या कम इल्म आदमी ये कहे कि वो हाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम का नहीं बल्कि अमली तौर पर खुदा ताला का बन गया और फिज़िकली बन गया तो ये माने हर तरह से काबिल कबूल नहीं होंगे फिर एक और मिसाल कुरान करीम की मैं आपकी खदमत में पेश करता हूँ जब बैद के बारे में हुक्म मिला और फरमाया कि इन लोगों ने तुम्हारे हाथ पर बैत नहीं की बल्कि मेरे हाथ पर बैत की है कि जब मक्का जाते हैं हज के लिए उमरे के लिए लेकिन मक्का वाले उसकी इजाज़त नहीं देते तो वापसी पे जो होती है बैत रिजवान उसके बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला हज़रत सल्ला व एक बज़ाहिर फ़ेल को अपनी तरफ मंसूब करता है तो इन मानों में अगर आप ये लें कि सल्लल्लाहु अलैहि हज़रतम के नाम की मुताबिकत मसीह मौत इस्लाम में पाई जाती है तो ये बिल्कुल वाजिब बात है और ये न सिर्फ़ हज़त मसीह मौदा इस्लाम ने इसका इजहार किया बल्कि जो दूसरे अकाबरीन हैं वो भी इस बात का इजहार करते हैं चुनाचे ये जहाँ तक बात थी कि ये जो टर्म है या अलाह है ये गैर इस्लामी है इसके बारे में पहले ये बात सुन लें कि हज़रत गुलाम फरीद रमतल चाचण शरीफ अलह इसके इनके जो मरीद हैं वो सराइकी इलाके में काफ़ी कसरत से मौजूद हैं ये लिखते हैं बरूज़ ये है अब जो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि बरूज एक गैर इस्लामी शर जो असिलाह है उनको भी ये समझना चाहिए कि ये जो ख्वाजा ग़लम फरीद हैं ये अहमदी नहीं थे गो के हज़र मसीह मौल इस्लाम के साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक रखते थे लेकिन ये कहते हैं कि बरूज ये है कि एक रूह दूसरी अकमल रूह से फैजान हासिल करती है जब इस पर तजलियात का फैजान होता है तो वो उसका मजहर बन जाती है और कहती है कि मैं वो हूं फिर मौलवी मोहम्मद यूसुफ साहेब लुधियानवी एक हवाला लिखते हैं कहते हैं कि अंबिया में जो कुछ है वो जिल और अक्से मुहम्मदी है कि जो गुजश्ता अंबिया भी गुजरे हैं वो ये ना ये कि अपने से पहले नबी के जिल हों बल्कि बाद में आने वाले यानी कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु सल्ला वसलम का जो जिल है वो उन अंबिया में मौजूद है फिर ए, एक और अलामा साहब हैं शेख उम्मशाइक शेख मोहम्मद अक्रम साबरी साहब ये अपनी किताब इकतबास में ये लिखते हैं फारसी का ये हवाला है लिखते हैं कि रूहानियत कमल गाहे बर अरबाब रियाजत चुना तसरफ मी फरमात केफाइल अफ आल शाह मी गर्दत व ई मरतबा रूफिया बजुर्ग बरूज मी गोयत इसका तर्जमा यह है कि रूहानियत में कामिल लोगों की रूहानियत बसाओकात सालिकों पर इस अंदाज से तस्र फरमाती है कि उनके अफ़ाल की फाइल बन जाती है ये वही बात है जो हम पहले बात कर रहे हैं कि रसुलकरम सल्हलम के फेल को अल्लाह तला ने अपनी तरफ मनसूब किया है और कहते हैं कि सूफिया इस मरतबे को बुरूज के नाम से मसूम करते हैं तो कहाँ हैं वो मुखालफी जो ये कहते हैं कि बरूस की जो अलाह है वो गैर इस्लामी है और हज़रत मिर्ज़ा साहेब आल्लाम ने अपनी तरफ से घड़ ली है हज़रत बातानी रतल् एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं वो कहते हैं कि क्योंकि कुतुब वही होता है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम के दिल पर रहता हो और जो भी किसी के दिल पर हो वो उसका ऐन होता है और हज़रत बस्तामी के बारे में एक जगह लिखा है कि वो ऐन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अब इसे एन से मुराद यहाँ पे हरगिज़ वो ऐन नहीं कि बैन ही वो बन गए बल्कि इसका मुराद भी यहाँ पर बरूस है फिर शाह वली मुहदस दिलवी एक बहुत बड़ा नाम है देवबंदी और जो दूसरा मकतबा फिक्र है बरेलवी वो इन दोनों के मुश्तरक जो बुजुर्गान हैं इनका नाम आता है कहते हैं कि कातिबुल हरूफ ने हज़रत वालिद माजिद की रूह को आ हज़रत सल्ल वसम की रूह मुबारक के साय में लेने की कैफियत के बारे में दरियाफ्त किया तो फरमाने लगे कि यूं महसूस होता था कि गोया मेरा वजूद आ हजरत सल्ला वजूद से मिलकर एक हो गया है खारिज में मेरे वजूद की कोई अलग हैसियत नहीं थी फिर एक और जगह पे ये फरमाते हैं कि हज़रत पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हे वसम को मैंने ख्वाब में देखा जैसे मुझे अपनी ज़ते बबरक़ात के साथ इस अंदाज से कुर्ब अतसाल बख्शा कि जैसे हम मतहदुल हो गए और अपने आप को आ हज़रत सल्लाह वम का एन पाया तो ये जो दो मोहम्मद होना सल्हम या उनके ये कह देना कि हम मरतबा कहा है ये बिल्कुल ऐसा मानी है जो जमात अहमदिया तो कम अज़ कम ओन नहीं करती बात यह है कि जमात अहमदिया की किताबें हैं और इसकी तशरी अगर आप मुखालिफ के मुँह से सुनेंगे तो वो बिल्कुल उसको बिगाड़ के पेश करेगा और किताबें हमारी हों और तशरी मुखालिफ करे ये किसी भी तरह एक अहल इल्म के लिए ये बात तशवीशनाक होगी इसलिए हमेशा मान वही दुरुस्त होते हैं जो किताब का या तो मुसनफ़ कर दे या उसको मानने वाले उसके मायने करें मुखालिफ जब भी मायने करेगा या उसकी तहरीर को पेश करेगा वह हमेशा ऐसी बातें पेश करेगा जो उसकी मुताबिकत रखती हों ना ये कि मुसन्फ़ के अपने ख्याल हों हज़रत मसीह मौदात ने जो जैसा कि मैंने तोहफा गोलडविया का जिक्र आपके सामने किया हज़रत मसीह मऊदलात असलाम फरमाते हैं और ये वो मानी हैं जो मैंने जैसा कि जिक्र किया कि पुराने जो बुजुर्गान हैं वो भी करते रहे हैं कहते हैं कि हज़रत सल्म की रूहानियत ने एक ऐसे शख्स को अपने लिए मुंतब किया जो खुल्क और खूह और हिम्मत और हमदर्दी खलाइक में उसके मुशाबे था रूहानियत ने और मजाजी तौर पर अपना नाम अहमद और मोहम्मद उसको अता किया जी। यहां पे जो जो है मजाजी तौर पर ये बड़ा अहम है इसको समझने की जरूरत है कि मेटाफोरिकली उसको अपना नाम अहमद और मोहम्मद उसको अता किया है ता ये समझा जाए कि गोया उसके जुहु। उसका जहूर बैन ही हजरत सल्लाम का जहूर था तो ये वो बातें हैं जो हजरत मसीह मोदी सलाम ने हमारे सामने रखी हैं और ये वो बातें हैं जो उम्मत के जो बुज़ुर्गान हैं और जो सूफियां हैं वो ये बातें करते रहे हैं और इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है कोई मसला नहीं है आ, सिर्फ बात है अंडरस्टैंडिंग की और वो अंडरस्टैंडिंग जो हजर मसीह मौद सात उसम ने पेश की है वही जमात अहमदिया उसको ऑन करती है ऐसे मतलब जो गैर करता है उसको जमात अहमदिया ओन नहीं करती अब जहाँ तक मेहदी और मसीह का मुकाम है उनके बारे में जैसा कि मैंने तमहीद के शुरू में यह बात बयान की थी कि उनके बारे में कम से कम ये ज़रूर लिखा हुआ है कि उन्होंने बरूज़ मोहम्मदी होना था एक हवाला मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये हज़रत शाह वली साहब रहमत का है वो बरूज़ हकीकी की अकसाम बयान करते हुए ये लिखते हैं के हकीकी बरूज की कई अकसाम हैं यहाँ पे हमारे मुखालफी जो एतराज़ करना जानते हैं वो यहाँ पे रोते थे कि बरूज एक इस्लामी असलाह नहीं है यहाँ पे हज़रत शाह वली ये कहते हैं कि बरूज की कई अकसाम हैं तो इससे ये बात वाज होती है कि जो इतराज़ करते हैं उसका अपना जो इल्म है वो कम है अगर उसने खुद अपने मसाले की ही कम अज़ कम किताबें पढ़ी होती तो ये एतराज कम अज कम ना होता कहते हैं कि हकीकी बरूज की कई अकसाम हैं कभी यूं होता है कि एक शख्स की हकीकत में उसकी आल या उसके मुतवसलिन दाखिल हो जाते हैं जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महदी से मुतालिक या महदी से ताल्लुक में इस तरह की बरूजी हकीकत वकू पजीर होगी यानी मेहदी आ हज़रत सल्लाम का हकीकी बरूज है तो और कोई हो या ना हो या अतलाह इसकी किसी और पर सादक आती हो या ना आती हो कम अज़ कम हज़रत मसीह माउदात पर इसकी अतला लाजमी सादक आती है और ऐसा होना हम जमात अहमदिया की किताबों से नहीं बल्कि जमात अहमदिया के जो मुखालफी हैं उनके जो काबरीन हैं या जो बड़े हैं उनकी किताबों से हम आपके सामने पेश करते हैं तो इस हवाले से भी खार के पास हवाले मौजूद हैं अगर किसी और दोस्त का भी सवाल हो इस बारे में तो मज़ीद हवाले भी पढ़े जा सकते हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल राबिद साहब जिस तरह अभी आपने बताया लफ्ज बरूज और जिल का मायने इसी हवाले से हजरत मसीह महदलात वसलाम अपनी किताब कश्ती नू में फरमाते हैं कि और यह कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत की तलकिन करते हुए आपने फरमाया के हकीकी और कामिल नि की कुरान ने खोली और बाकी सब उसके तो तुम कुरान को तदब्बर से पढ़ो और इससे बहुत ही प्यार करो ऐसा प्यार के तुमने किसी से ना किया हो सफा नंबर अट्ठाईस आपकी खिदमत में यह प्रोग्राम हर इतवार की शाम छह से आठ बजे के दरमियान ए एम थर्टीन फिफ्टी पे टोरटो और ए एम सिक्स टेन पे मॉन्ट्रियाल में वक्त पेश किया जाता है अगर आप हमारा ये प्रोग्राम इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है प्रोग्राम में आज हमारे जनाब और है। का सिलसिला जारी है आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं फोर वन सिक्स सेवन जीरो सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन आपको बताते चलें कि माहिर रमजानुल मुबारक की मुनासबत से हमारा आज के प्रोग्राम का मौजू कुरान करीम है अगर आप प्रोग्राम में बज़रिया ई शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी आई है है क्यू आई इस्लाम डॉट सी यानी क्वेश्चन आंसर डॉट सी ए जी इस वक्त हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद नहीं है तो अगर आप मज़द कुछ पेश करना चाहें जी सोब साहब जी, <coughs> जी हजरत अक्स मसी मौदात वसलाम फरमाते हैं अपनी तहरीर सनातन धर्म में मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया और अगर लोग चाहें तो गवाही दे सकते हैं कि मैं दुनियादारी के कामों में नहीं पड़ा और दीनी शोगल में हमेशा मेरी दिलचस्पी रही मैंने उस कलाम को जिसका नाम कुरान है नहायत दर्जे तक पाक और रूहानी हिकमत से भरा हुआ पाया ना वो किसी इंसान को खुदा बनाता और ना रूहों और जिस्मों को उसकी पैदाइश से बाहर रख कर उसकी मजम्मत और निंदिया करता है और वह बरकत जिसके लिए मजहब कबूल किया जाता है उसको ये कलाम आखिर इंसान के दिल पर वारद कर देता है और खुदा के फजल का उसको मालिक बना देता है बस क्यों कर हम रोशनी पाकर फिर तारीकी में आवें और आँखें पाकर फिर अंधे बन जावें बहुत बहुत शुक्रिया साहब। माजरत यह हम मजीद जारी रखेंगे लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है पहले उनका सवाल लेंगे अमीन साहब हमारे साथ हैं। अमीन साहब आवाज आ रही है जी जी प्लीज सवाल पेश करें अच्छा सवाल मेरा ये है शाह वजी साहब की है या जो भी है इस्लामी जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जी राबिद साहब बुरूजी नबूत का आपने जो हवाला दिया बुजुर्ग की किसी तहरीर से लेकिन वो कह रहे हैं की हदीस से आप जी बिल्कुल ठीक है एक तरह से ये मेरा इनकार भी नहीं कर रहे जमतिया का नहीं बल्कि अपने काबरीन का भी यहाँ पे इनकार है तो अमीन साहब बड़ी आ, आपका जो सवाल है आ, बड़ी खुश दिली से मैं कबूल करता हूँ इसको इनशाला उसके हवाले दूंगा क्यों ना मैं आपको कुरान करीम का हवाला दे दूँ आपने हदीस की बात की है तो मैं अगर आपको कुरान करीम का हवाला दे दूँ तो क्या आप उसको कबूल कर लेंगे मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब जो है वो हाँ में होगा चनाचे जब हम कुरान करीम का मतलब करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क़ुर करीम हमारे सामने इस मौजू पर क्या बात लेकर आता है तो हम सूरत जो जुमा है उसकी तरफ अपना रुख करते हैं सूरत जुमा में अल्लाह नबी अकरम सल्ला वसम के मतलब यह फरमाता है उज़बल नशित रज़ीम बिस्मिल्रिमल्लाजी बाफफ़िल्मी रसूलम बिन हम यतलुआलिम आयाति ही वयु क्म वयोअलिमुल्किताब विकमा व इन क़ानबलफ़ीज़लामबीन फिर फर्माया व आख़रीना मिनहम लम्मा यहाकू बिहम वहूल अज़ीज़ुल हकीम इसका तर्जमा मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ ये तर्जमा उसका ये है कि वही है जिसने नाखानदा लोगों में उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उनको पाक करता है और उन्हें हिकमत सिखाता है यकीन ये इससे पहले खुली गुमराही में थे और दूसरों के लिए भी इन्हीं में से जो अब तक इनमें इनसे नहीं मिले आखरीन यानी कि यहाँ पे आ हज़रत वसल्लम की बासत को आखरीन की तरफ मबूस करने के बारे में कुरान करीम हमारी हिदायत या हमारी जो रहनुमाई है वो ये करता है अब बात ये है कि या तो ये माने कि बिल्लाह आ हज़रत वसल्लम दोबारा ज़िंदा होकर आखरीन में और आखरीन की आप तशरी जो मर्ज़ी कर लें आज की कर लें आज के बाद की कर लें आज से सौ साल पहले की, की कर लें वो मैं आप पे छोड़ता हूँ लेकिन आखरीन के लिए क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जसद अंसरी के साथ वापस आना है नहीं आना कोई भी मुसलमान इस बात पे यकीन नहीं करता और तमाम मुसलमान मुतफ़ा तौर पर यह बात मानते हैं समझते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर हाजिर हो चुके हैं और ये जो गलत अकीदा है हज़रतलाम को जिंदा करने का वो आप लोगों का बनाया हुआ है ना ये कि वो जमात अहमदिया का है तो बात करने की ये है कि अगर आखरीन में नबी अक्रम सलम ने आना है और नबी अल्लाह ताला के हजूर हाजिर हो गए हैं और उन्होंने अपने नहीं आना वापस तो फिर यह कौन सा वजूद है जिसने आखरीन में आकर आजरत सल्लम का काम पूरा करना है अब इसके लिए हम चलते हैं हदीस की तरफ चूंकि आपने हदीस की बात की थी और इसमें जो मैं दलील है वो पहली तो मेरी कुरान करीम थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की और उसके सपोर्टिव अब मैं हदीस से आपके सामने एक बात रखूंगा जब ये आयत उतरी है इस पे साहबा ने ये पूछा कि मन हम या रसूल के अः रसूल सल्लाम सल ये आखरीन कौन है जिनकी तरफ आपने मबूस होना है अब बजाय इसके कि आजर सल्लाम ये कहते कि आखरीन फला फला कौम होगी या फला जमाने के लोग होंगे आ हज़रत सल्लाम ने इस बात का जवाब दिया कि वो मैं नहीं होंगे जो वो आएगा बल्कि हजरत सलमान फारसी के कंधे पे हाथ रखा और फरमाया कि रिजालन और रजलुमिनय हाँ और ये बुखारी की इस जो किताब तफसीर है सूर जुमा की इन आयात जो मैंने आपके सामने पेश की है उसकी तफसीर में या उसके जेल में आप ये हदीस पढ़ सकते हैं तो यहाँ पे रसुल अक्रम वसल्लम ने मेहदी को यह जो आने वाला वजूद था उसको अपना इन मायनों में बरूजी तौर पर मानों में अपना वजूद करार दिया है और इसकी जो सनद है वो कुरान करीम से मिलती है फिर जहां तक बात है बरूज की या उसके जिल होने की इसकी दूसरी दलील सूरत मुजम्मल की आयत है जिसमें हज़रत सल्ला वसलम को मुासिलत दी जाती है हज़रत मूसा सलाम से और इसकी तीसरी और सबसे बड़ी दलील जिसकी जिस गलती में आप भी मुब्तला हैं वो हज़रत ईसा वसलाम का नाम लेकर फरमाया कि ईसी वसलाम ने आना है तो ईसा वसलाम तो अज़रू कुरान वफात पा चुके हैं और अगर हज़रत ईसी सलातम ने आना है तो उससे मुराद ये बनेगी कि चूंकि जैसे कि नबी अक्रम सल्ला वल् फ़ोत हो चुके और सूरज जुमा की आयात के तनाजुर में एक दूसरे शख्स ने आना है जो उसके कायम मुकाम के तौर पर खड़ा होगा या उसके बात को आगे लेकर चलेगा तो लाजमी तौर पर हम यहाँ पर भी मजबूर होते हैं कि हज़रतलाम को तो कुर करीम वफ़ातशुदा करार देता है और अगर उसका नाम लेकर उसको बुलाया तो लाजमी तौर पर ऐसा शख्स होना है जो हज़रत ईसा सलातम तो के नाम लेकर आएगा या उनके नाम को लेकर आएगा तो इस हवाले से भी मैं हज़रत मसीह मौदूसम तो का एक हवाला आपकी ख़िदमत में पेश करूँगा ये जमीमा सलाह जिहाद जो है रूहानी हजैन की जल्द नंबर सत्रह में है हज़रत मसीह मौदलात तो सलाम फरमाते हैं कि खुदा ताली के फजल और रहमत ने इस जमाने में इन दोनों लकबों का मुझे वारिस बनाया है और ये दोनों लकब मेरे वजूद में इकट्ठे कर दिए सो मैं इन मानों की रूह से ईसा मसीह भी हूं और मोहम्मद मेहदी भी और ये वो तरीके जहूर है जिसको इस्लामी असलाह में ब्रूज़ कहते हैं सो मुझे दो ब्रूज़ अता हुए हैं बरूज ईसा और बरूज मोहम्मद सल तो ये कुरान करीम से जो सबूत है वो भी मैंने आपके सामने पेश कर दिए अहादीस की भी पेश कर दी और ये भी मैं बात पेश कर दूंगा कि आपने माननी इन दोनों की नहीं है जैसे कि आप अपने बुज़ुर्गों की बात नहीं मानते और कम से कम आप किसी किताब का ही हवाला मुझे दे दें कि मैं फलां किताब को मानता हूं या फलां बंदे की मान लेता हूं क्योंकि हमने तो कुरान करीम के मतद्द हवाले भी पेश किए भी पेश की वो तो हमें पता है और हमारे जो सामीन हैं वो भी जानते हैं कि आप आ, नहीं मानते उनकी बातों को तो बहरहाल जो आपने सवाल किया था मैं कुरान करीम की रोशनी में अहादीस की रोशनी में मैं पेश कर चुका हूँ वल्ल आलम्सवाब बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल राबिद साहब सामिन कराम आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया समात फरमा रहे हैं आपकी खिदमत में यह प्रोग्राम हर इतवार की शाम छः से आठ बजे के दरमियान पेश किया जाता है टोरंटो में इसकी फ्रीकुनसी एम थर्टीन फिफ्टी है जबकि मॉन्ट्रियाल में इसकी फ्रीकुनसी एम सिक्सटी टेन है सामिन कराम आपको बताते चलें कि मॉन्ट्रियाल में आज अफतार का वक्त सात बजकर तिरपन मिनट है जबकि मस्जिद बैतुल इस्लाम वन जिसके करीब से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं आ, इस इलाके में अफतार का वक्त आठ बजकर तेरह मिनट है आ, अगर आप हमारा ये प्रोग्राम इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है डब्ल्यू और इस वेबसाइट पर आपको हमारे गुजशत प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती हैं सामििन कराम प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा फोन नंबर नोट फॉर ले फोर वन सिक्स सेवन जीरो ई मेल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए क्यू आई इस्लाम डॉट सी एन क्वेश्चन आंसर ऑफ इस्लाम डॉट सी ए सामने कराम आपको बताते चले कि अब्दुल नूर आबिद साहेब और सोहेब अहमद साहेब आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और प्रोग्राम माहिर रमजान मुबारक की मुनासिबत से कुरान करीम आ, आज के प्रोग्राम का मौजू है आपसे उम्मीद कि आप प्रोग्राम के मौजूद के हवाले से ही हमसे सवाल करेंगे हमें ईमेल पे भी एक सवाल मौसू हुआ है लेकिन उससे पहले हम सवाल टेलीफोन कॉल लेंगे अमीन साहब की अमीन साहब सलाम जी आवाज आ रही मेरी जी सर रबी साहब सबसे पहले तो आप लोग जो बार बार रिपीट करते हैं कि हम मत मोहम्मद सल्लाम ने ईसा सलाम को माजल्ला आसमान पे चढ़ाया तो ये आप बात नोट कर लें कि जब अल्लाह ताला ने ईसम को आसमान पे तो उठाया तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वजूद नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महूस ही नहीं हुए थे तो ये इल्जाम हमारे ऊपर आप लोगों की तरफ से लग रहा है आज तक उसकी तरदी नहीं हो सकी छ सो चालीस साल के बाद कुरान नाजिल हुआ है और जितने भी अम्बिया साहब की कतल हुए कतल उसकी कुरान ने तस्दीक की कि वह कतल अम्बिया ईसा के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है फिर उसके बाद ये वो आप कह रहे हैं कि हजरत सलमान फारसी रजील्ला तौना के, रजी के कंधे पे हाथ रखा पूरी उम्मत इजमायमा का मुतफिका फैसला है कि ये इमाम अब आदिफा रम्ह के बारे में था तो अब ये बात यानी कि आपकी मानी जाए कि इजमा उम्मत का जो तो पूरा मुतफिका फैसला है वो और सूर जुमा की जितनी भी आयात आपने पढ़ी वो अल्लाह के नबी वम की शान के बारे में है किसी बरोजी किसी नबी के बारे में नहीं है ये मेरे सवाल से इनका जवाब तो <coughs> बहुत बहुत शुक्रिया जी अब्दुल साहब। जी सनल जजा मैंने जैसे कैर्स की थी इन्होंने कुरानी करीम की बात को नहीं मानना तो वो लेकिन वो बात यहाँ तक दुरुस्त बैठी है कि उन्होंने कम अज़ कम ये तस्लीम कर लिया है कि ये जो असलाहत हैं वो कम अज़ कम ज़रूर आई हैं और जहाँ तक बरूजी या जिल्ली की बात की है तो वो ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा की वो ज़ात बनती है और जो जमहूर है वो ये कहता है या ये कहते हैं कि तमाम के तमाम जो हैं वो ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा जो हैं वो इस आयत के या इस हदीस के मसदाक हैं तो ये बात तो इनकी ग़लत है इन्होंने ऐसे ही अपनी तरफ से ये बात करने की कोशिश की है अगर तो इनकी बात दुरुस्त है और ये कहते हैं कि तमाम के तमाम मुसलमान मुतफ़ा तौर पे और कसरत राय के साथ ये बात करते हैं बल्कि इन्होंने जो जिक्र किया है कि सारे के सारे तो इसका इनको सबूत पेश करना चाहिए था आम तौर पे तो बात यह है कि जो फ़िका के मुख्तलिफ मसालिक हैं मसलन मालिकी हैं शाफी हैं हमली हैं हनफ़ी हैं है, है। तो इमाम अबू हनीफ़ा जो फिका की जो मसलक है हनफ़ी उनके यानी कि मुजद भी बनते हैं इस लिहाज से तो शाफी हों या हमली हों या मालिकी हों वो तो इनको मानते नहीं हैं या उनसे इख्तलाफ करते हैं तो अगर उसका मसदाक जैसे कि नबी अक्रम अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हनीफा बनते हैं इमाम अबू हनीफा तो फिर क्या वजह है कि दूसरे इस जैल में उनको नहीं देखते और जो आपने बात की थी कि तमाम के तमाम जो मुसलमान हैं मुतफ़ा तौर पर तो ये आपकी दलील यहीं पर टूट जाती है ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल बेबुनियाद आपने बात की है अगर इस पर आपकी कोई दलील है तो वह आप ज़रूर पेश करें तो उसको मैं देख लूँगा लेकिन जहाँ तक आपने बात करने की कोशिश की है ये बिल्कुल नहीं है ऐसे बात यह है कि अब गौर से ज़रा हदीस के अल्फाज देखिए जब ये आयत नाजिल होती है तो साहबा ये पूछते हैं कि या रसुल्ला मन हम या रसूल कि ये आखरीन कौन है जिनपे जिनकी तरफ आपने मबूस होना है इन आयात को अगर देखते हुए इस बात पे अगर आप चलेंगे तो फिर आपका जो मामला है वो आपकी नजर में इंशाला आसान होगा तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया जो जो साहबा हैं वह यह कहते हैं कि मन हम या रसूल्ला कि ए रसोल्ला सल्ला कौन लोग हैं जिनकी तरफ आपने मबूस होना है अब यहाँ पे यहां पर सल्लाम ये जवाब नहीं देते कि कौन से लोग होंगे बल्कि जवाब ये देते हैं कि कौन होगा जो मेरी जगह पे आएगा ये बड़ी पते की बात है और यहाँ पे अगर आपको गलती लगी है तो इसकी अलाह जरूरी है फ़रमाया के कि लाइमानलकुमस नजालन और रजलमिनय अब इमाम अबू हनीफ़ा ने जो असलाह की है बिला शुबा वो एक बहुत बड़े इमाम थे और उनकी जो ख़दम्त हैं वो किसी भी तरह जो है वो भुलाई नहीं जा सकती लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हज़रत मसीह माउदलासल्लाम ने जिस तरह इस्लाम की मदद की है या इस्लाम की जो जिस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे कि इस्लाम जो है वो आ, नाम के तौर पर रह जाएगा ला यबका मिनल इस्लाम इस्सम वलायबका मिनल कुरान क्रन रसमु जिस तरह हजरत मसीह मौद सला ने इसको इस्टबलिश किया है इमाम अबू हनीफा ने नहीं किया उसकी वजह यह है कि हजरत मसीह मौद सलाम को अल्लाह ताली ने नबी बनाकर भेजा है और ये तो आपके एक सवाल की बात का, का मुख्तसर सा जवाब मैंने आपकी खदत में पे पेश किया है दूसरा आप ये कहते हैं कि हज़रत ईसा सलातम को हमने ऊपर नहीं चढ़ाया बात यह है कि उनका दावा करने वाले तो आप हैं ना कुरान करीम तो ये कहता है कि हज़रत ईसा सलात वफात पा चुके हैं तो अब आप ये बताइए आपने मुझसे यह सवाल किया था कि हम आपकी माने या तमाम मुसलमान जो मुतफ़ा तौर पर हैं उनकी माने अब आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि मैं आपकी बात मानूं या मैं कुरान करीम की बात मानूं? कुरान करीम के जो सूरत माहा है उसकी आखिरी रुकू को अगर आप पढ़ें और बारहा हम आपकी तोजह इस बारे में इसकी तरफ गामजन कर चुके हैं अल्लाह ताला हजरत ईसा असलाम को फरमाता है कि क्या तूने अपने लोगों को ये बात कही थी कि मुझे या मेरी माँ को वालदा को मबूद बना लो इस पर रसूल हजरत ईसा सलाम इस बात का इनकार करेंगे और फरमाते हैं फलमा तो नहीं कुंता अंतर्र ए अल्लाह मैं जब तक उनमें मौजूद रहा उनकी निगरानी रहा जब तूने मुझे फलमा तवफई ता नहीं कुंता अंतर्र की बाही जब तूने मुझे वफा दे दी बस तू ही था जो उन पर निगरान था अब आप हैं जब आपने कहा कि आप हमारी तरफ मंसूब ना करें मैं आपकी तरफ मंसूब ना करूं तो फिर मैं किसकी तरफ मंसूब करूं क्योंकि रसुल अक्रम सला वसम का तो यह अकीदा हर गिज़ नहीं था कि हजरत ईस्ा ने वापस आना है सल्ला तो यह फरमाते थे कि हजरत ईसा सलाम फ़ोत हो चुके हैं अब सुनिए कि रसूल अक्रम सम ने यह बात कहाँ पर की है किताबो तस्र तो उठाएं बुखारी की और ये जो आयत मैंने आपके सामने पेश की है कुंतूम शहीदम मा दुम तो फीम फलफानी कुंता अन तरक़ीब इसके जैल में आप सूरत माह में जब जाएंगे और आखिर पे ये सूरत अल अनाम से पहले आपको यह हदीस मिलेगी इस पे ये फरमाते हैं बिहिम शमाली या या सिहाबी के मेरे मानने वालों को जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा होगा उसमें मैं कहूंगा या अल्लाह ये तो मेरे मानने वाले हैं तो इस पे अल्लाह ताला कहेगा तहेगा ला तदरी माहुबादा का फिर अल्लाह ताला कहेगा तुझे नहीं पता तेरे बाद इन्होंने क्या किया है किन अफ में मुलवस रहे हैं फ आकुल कमा काल अब्दुसाले जिसपे फरमाते हैं फाकूलु तब मैं जवाब दूंगा कमा काल अब जिस तरह अब्दुल साले ने जवाब दिया जवाब क्या था वो सुनिए कुंतु अलिम शहीदम मा तुम तो फीम फलमा तवफी था निकुनता अंतर की के जब तक मैं उनमें मौजूद रहा मैं उनका निगरान था पैसा अल्लाह तब जब तूने फिल्मा तो वफई था नहीं जब तूने मुझे वफा दे दी तो तू ही उन पर निगरान था अब अगर आप ये कहते हैं कि हजरत ईसा सलातम इस आयत की रूह से जिंदा आसमान पर मौजूद हैं तो आपको तो यह भी मानना पड़ेगा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम भी इसी जिसम अंसरी के साथ आसमान पर अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप हजरत सल्लाम की बातों की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं बकोल आपके लेकिन अगर आप हजरत सल्ला वम को तो ये कहें कि वो वफात पाकर खुदा ताली के हजूर हाजिर हो चुके हैं और इन्हीं आयात का वो तर्जमा करें जो रसूल मकबूल सल्ला वसम खुद अपने लिए पसंद नहीं करते तो मैं अपनी बात में बिल्कुल बरहक हूं और बजा हूँ हु कि हज़रतलाम को आसमान पर उठाने वाला जो मामला है वह आपका तराशीदा है बेशक हज़रत ईसा सलातम को मानने वाले दो किस्म के लोग हैं जो हजरत ईसा सलातम को जिंदा आसमान पर मानते हैं एक ईसाई जो उनको खुदा का दर्जा देते हैं और एक वो मुसलमान जो हजरत मसीह माउदातम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हल की बातों का इनकार करते हैं ये दो किस्म के लोग हैं जो हजरत ईसा सलातम को जिंदा आसमान पर मौजूद मानते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने एक जमाने में वापस आना है और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि जहां पे जो ब्रूस की जो बात चल रही थी हजरत मसीह सलाम को इसलिए मसीह नासरी का नाम दिया गया या मसीह ने मरियम का दिया गया क्योंकि हज़रत सल्ला व को हजरत मूसअलम के साथ मुमासिलत कुरीम ने दी है तो अगर मसीह मऊदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला की ममासिलत हजरत मूसलाम के साथ है तो फिर लाजमी तौर पर यह नतीजा निकलता था कि उनकी उम्मत में भी मुसलत हो अब यहां तक तो आप मानते हैं कि अदीस में तो ये बातें लिखी हैं कि जिस तरह यहूद चले हैं उस तरह ने तो फरमाया कि मेरी उम्मत भी उन बातों में मुलवस होगी तो ये तो मानते हैं कि उम्मत ने यहूद के नक्शे कदम पर चलना है लेकिन ये नहीं मानते कि ईसा सलातम के नाम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हम की तइद से हजूर के नाम पर हजूर का पैरवी करने वाला कोई इस मुकाम पर पहुंच जाए कि वह नबी बन सके तो ये वो तमाम मतालब हैं जो आप करते हैं इसलिए मैं जब ये कहता हूं या हमारी तरफ से ये बात पेश की जाती है जैसा कि आपने अर्ज़ की है अभी आपने बात की है कि आपकी तरफ से हमेशा ये बात की जाती है कि आपकी तरफ से ये बात है तो ये बैन नहीं ये आपकी तरफ से बात है ये रसुलकरम सल्ल व की बात नहीं है रसूल अक्रम सम या कुरान करीम हज़रत ईसा सलाम को वफ़ातशुदा कहता है उसकी एक आयत मैंने आपके सामने पेश की है कुरान करीम की और एक हदीस जो रसूल की है वो मैंने आपके सामने पेश की है और फिर वही बात है कि इनकार बहरहाल आपने करना है दोबारा मैं आपसे पूछूंगा कि आप बता दें कि आप किसको मानते हैं ताकि मैं वो कोशिश करूं कि वो किताब भी पढ़ लूं और उसके अंदर से देखें कि आपके मतलब की अगर कोई बात जो आपको समझ नहीं लगी उससे मैं समझाने की कोशिश कर लूं क्योंकि कुरानी करीम से और अहादीस से तो हमने बथेरा समझाया लेकिन आ, उसको बहरहाल वो बातें जो हैं वो आ, आपकी समझ में नहीं आती इस तरह जी <coughs> बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल नूर आबिद साहब शामिर कर आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया समाप्त फरमा रहे हैं आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम हर इतवार की शाम छः से आठ बजे के दरमियान ए एम थर्टीन फिफ्टी पे टोरोंटो और ए एम सिक्सटीन टेन पे मॉन्ट्रियाल में बैक वक्त पेश किया जाता है अगर आप हमारा ये प्रोग्राम इंटरनेट पर समाप्त फरमाना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है डब्ल्यू 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 डॉट म डॉट सी ए प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब अब्दुल नूर आबिद साहब और सुहेब अहमद साहब मौजूद हैं सवाल जवाब का सिलसिला जारी है प्रोग्राम का मौजूस माहिर रमजानबारक के हवाले से कुरानी करीम है आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं फोर वन सिक्स सेवन जीरो सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन वजरिया ई मेल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारी आई डी नोट फरमा लें क्यू क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए क्यू ए यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट आपको बताते चलें कि मस्जिद बैतुल इस्लाम वॉन जिसके नवाज से हम आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं यहाँ पे अफ्तार का वक्त आज आठ बजकर तेरह मिनट है जबकि मॉन्ट्रियाल में अफ्तार का वक्त सात बजकर तिरपन मिनट है अब्दुल राबिद साहब एक सवाल हमें मौसू हुआ है <coughs> अहमद साहब पूछना चाहते हैं कि जमत अहमदिया की मौजूदा दौर में असर हाजिर में जमत अहमदिया की कुरान करीम की क्या खिदमत हैं है। जी जजाक ज़ज़ा। ये बड़ा अच्छा सवाल है हज़रत मसीह सलाम के हवाले से अगर हम बात करें तो हज़रत सलम ने यह फ़रमाया कि एक ज़माना आएगा कि ला यबका मिनल इस्लाम ला हो वला यबका मिनल कुरान नहीं इल्ला रस्म इस्लाम सिर्फ नाम के तौर पर बाकी रह जाएगा और जो कुरआन है वो बतौर रस्म बाकी रहेगा तो इसके मतलब अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं पहले सवाल है ना एक कॉलर हमारे साथ है लेकिन अगर आप चले इसका जवाब आप बात दे दें तफसील से अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे अहमद साहब सलाइक सलाम जी सर। मेरे दो सवाल हैं। प्लीज एक ये है कि एक इतराज किया जाता है अब आप की तरफ से कि हजरत मसीह माउद्लाम पर कुरान की अजा नाजिल हुई है जबकि कुरान करीम तो मुकम्मल हो चुका है जी तो एक तो ये सवाल है दूसरा सवाल यह है कि हजरत मसीह माउद्लाम ने जो ये है कि मुझे कुरान के जिल पर इम दिया गया है, है। का दे 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 सवाल आपका दूसरा समझ नहीं आया कुरान की इल्म दिया गया है क्या सवाल था आपका ठीक है, है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जी अब्दुल्बी साहब पुरानी आयात को बतौर इलहम नाजिल हुई है मिर्जा साहेब ने यह फरमाया है जी ये अब हमारे पास तीन सवाल हो गए जी इससे पहला ये था कि जमात अहमदिया ने कुरान करीम की क्या खिदमत की है जी जी पहले मैं उस सवाल की तरफ़ आता हूँ फिर आहिस्ता इंशाल्लाह इन सवाल को देखते हैं जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हज़र सल्हम की जो पेशगोयाँ हैं उनके मुताबिक तो ये बात बनती है कि एक वक्त ऐसा आने वाला था के मुसलमानुरान करीम के जो असल मतालिब हैं उनसे फिर जाएंगे जी कुरान करीम में भी हज़र सल्ला वम ये इजहार अल्लाह तला के सामने करते हैं कि अल्लाह ताली मेरे जो कौम है उन्होंने कुरान करीम को महजूर की तरह छोड़ दिया है यानी कि पुश डाल दिया है तो ये ज़माना आना था और ज़माने में हमने ये देखा कि ऐसे लोग भी गुजरे जिन्होंने उन हालात में या उस ज़माने की जो साइंस थी उसके ज़ेर असर आकर उन्होंने ये बात लिखी है कि कुरान करीम की बहुत सारी जो आयात हैं वो मनसूख हो चुकी हैं यानी कि जब उनका नज़ूल हुआ था वो अपनी शान के साथ कायम थी लेकिन मरूर ज़माना या ज़माने के गुज़रने के साथ साथ कुराने करीम जो है उसकी फला फलांह आयत जो है वो मनसूख हो चुकी है यानी कि उसकी ज़रूरत नहीं रही वो ख़ास हालात के लिए थी या ख़ास वक्तों के लिए थी जो इसका मुतला है वो ये बताता है कि करीब सात सौ के करीब ऐसी आयात की निशानदही मुख्तफ उलामा करते रहे जिनमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये आये ये आये ये आयत जो है वो कुरने करीम का हिस्सा तो जरूर है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी नहीं हो सकती सबसे बड़ी जो कुरने करीम की खिदमत हजरत अकदस मसीह माउद सलाम ने की या जमात अहमदिया ने की वो ये है कि हजरत मसीह सलाम ने फरमाया कि कुरान का एक शोशा भी मनसूख नहीं है और कुरान करीम जिस तरह पहले नाजिल हुआ था आज भी अपनी शान शौकत के लिहाज से उसी तरह जो उसकी आयात हैं वो एक आफ्ताब की तरह चमक रही हैं तो सबसे बड़ी जो खिदमत थी हजरत मसीमत असलम के ज़माने से पहले जो मुख्तफ लमा गुजरे हैं या काबरीन गुजरे हैं उन्होंने भी बिलाशुबा शुबा कुरान करीम की बहुत ज़्यादा खिदमत की है लेकिन आ, वो भी पूरी तरह इसमें कामयाब इस, इस लिहाज से नहीं हुए कि हजर मसीह मौदात से पहले भी पाँच जो आयात हैं बताई जाती हैं कि वो न, न, हल ना कर सके सकेमा और ये कहते थे कि यह बहरहाल सात सौ के फिगर को कम करते करते पांच तक पहुंच गए लेकिन हजरत मसीह है मौदलाम ने अपने मुख्तु जगहों पर चूंकि इसका इस वक्त वक्त नहीं है तो किसी और वक्त में इसको हम इनशाला डील कर सकते हैं फरमाया कि कुरान करीम की ये जो पांच आयात बताई जाती हैं इनमें से भी कोई मनसूख शुदा नहीं है और कुरने करीम अपनी पूरी शान के साथ जिस तरह अलैहि सल्ल पे नाज़ल हुआ आज भी नाज़ल होगा और सल्लल्लाहु अलैहि वस पर जिस तरह नाज़ल हुआ वो आज भी है और दूसरा हज़ुर ने फरमाया कि वो बातें जिन पे कुरान करीम की तालीमत के लिहाज से एतराज़ किया जाता है अगर ब़ौर मुशाह किया जाए ब़ौर जायज़ा लिया जाए तो उसी आयत की तह में इस्लाम की खूबी मौजूद होती है यानी कि वादियों नज़र में अगर कोई कुरानी करीम की किसी आयत पर एतराज़ करता है और यह कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं रही या फला आयत पर एतराज़ हो सकता है हजूर फरमाते हैं कि इस्लाम की खूबी यह है कुरानी करीम की खूबी यह है कि अगर उसको गौर से देखा जाए उसका मुशाह किया जाए उसका मुताल किया जाए तो ये बात निकलती है कि कुरान करीम की उसी आयत के नीचे जिस पर एतराज़ किया जाता है इसी में इस्लाम की एक ख़ूबी छुपी होती है तो मिसाल के तौर पर जो चार शादियों की पाबंदी है ये पहले किसी की नहीं थी बहुत सारे जो लोग थे जो उसमें जो ईसाई हजरत भी थे उन्होंने भी इतराज शुरू किए और बाकी भी तो लेकिन हजरत मसीह हज़त सलाम और हजूर से पहले जो जितने अकाबरीन थे उन्होंने इस बात को सराहा है और लिखा है कि ये जो ये जो तलीम है कुरान करीम की तालीम है ये कितनी शान से अपने अंदर एक ख़ूबी रखती है फिर हम हजर मसीह मौजूद की जहाँ पे बात कर रहे हैं ये तो अमूमी तौर पर एक बात मैंने आपके सामने पेश की है आ, दूसरी एक और बात भी अगर आपके सामने पेश करूँ तो हजर मसीह मौदलात की जो बाकायदा पहली तसनीफ है ब्राहिन अहमदिया जिसमें हजर मसीह मौदात ने दस हजार रुपये का जो जो इनाम का वादा है वो भी दिया है इसमें हजूर ने क्या बातें पेश की हैं एक रसूल अक्रम सम की नबूत के जो हकानियत है वो और कुरान करीम की हकानियत है उसके दलायल हजब वसीम साम ने अपनी इस किताब में दी है और फरमाया है कि कुरने करीम अपनी शान के साथ उसके हवाले अभी स्टूडियोज में हमें सुहेब साहब ने सुनाए भी हैं अभी और भी वक्त मिलेगा तो इनशाला आप सुनेंगे कि हजर मसीह है माउद वसलाम कुरान करीम से महब्बत किया करते थे मुझे एक वाक्य याद आया सियालकोट में जब हज़रत मसीह मदलाम मुलाजमत के सिलसिले में आ, कुछ अर्सा वहां पे रहे हैं तो रवायात में आता है कि अपने काम से फारिग होकर हजूर अपने घर में तशीफ ले जाया करते थे और घर का दरवाजा बंद करके तो बैठ जाया करते थे तो उस जमाने में जो लोग थे वो इस टो में होते थे कि आखिर मिर्जा साहब अंदर करते क्या हैं और एक दिन उनकी जो टो थी या उनकी जो जस्तजू थी वो ख़त्म हो गई उन्होंने हजरत मसीह मौदलात को देखा तो वो कुरान करीम अपने सामने खोला हुआ है उन्होंने और बड़े इलाहा से ये दुआ करते हैं कि ए खुदा ये कुरान करीम तेरा कलाम है तू ही इसको समझाएगा तो मुझे समझ लगेगी तो किस तरह अल्लाह ताला से हज़रत मसीह मौदात ये दुआ किया करते कि जो कुरान करीम के जो मतलब हैं जो मफाहिम हैं वह मसीम पर खोले जाएँ फिर दौर आता है हज़रत और यहाँ पर भी एक और बात कर दूँ ये यह यहाँ पर जो अहमद साहब ने सवाल किया था कि मिर्ज़ा साहब ने जो ज़िल के तौर पर इलम दिया गया है कुरान का इसका क्या मतलब है इसका मतलब यही बनेगा कि कुरान करीम में अल्लाह ताली ये फरमाता है कि कुरान करीम के जो मतालिब हैं उनको मुताहरून जो लोग हैं जो मुताहिर हैं अल्लाह ताला की तरफ से साफ किए गए पाक किए गए उन्हीं पर इनके मतलब खुलते हैं तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुतुब है जो जो मज़रत हज़रत मसीह मऊद तो सलाम की जो कुतुब है हमें उसमें भी वो रंग नज़र आता है चुनाचे अब क्या होता है उस जमाने के जो मशाइ थे उलमात थे फकहत थे हज़रत मसीह माउद्लम उनको ये चैलेंज देते हैं पहले हुजूर ने तकरीरी मुबासे की बात की उसमें बाज लोगों ने अपना दम मारने की कोशिश की और बुरी तरह हाला बुरे हालात में वो हारे हैं फिर हजर मसीह है मौदलात ने फरमाया क्योंकि तकरीरी जो मुबासे होते हैं इसमें किसी कदर जो मुखालफिन है वो शरारत का रंग अपने अंदर रखते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो देर पा भी हों फिर हजूर ने अपनी जो किताब थी अंजाम आतम उसमें ये इस बात का इजहार किया कि आज के बाद मैं जो जो जबानी मुबासे हैं वो नहीं करूँगा बल्कि हज उन्होंने फरमाया कि तहरीरी मुबासों के लिए रास्ता खुला है चुनाचे अठारह सौ नब्बे में हज़त मसीह महुदात ने बड़े वाशगाफ़ अल्फाज में इस बात का इजहार किया और पीर महर अली शाह और इस तरह दूसरे जो उस ज़माने में अपनी इलमी काबली के आ, का दम भरते थे उनको यह फरमाया कि हम बिलमवाजा बैठ के जानो बजानो बैठ के आमने सामने बैठकर कुरान करीम की कुरानंदाजी के तौर पर चालीस आयात ले लेते हैं और उसकी तफसीर का मुकाबला करते हैं जिससे यह पता लगेगा कि हजरत के अल्लाह तला ने कुरान करीम का इलम या अरबी जबान का इलम किसको दिया है और उस जमाने में आप यकीन करें कि जितने भी ओलामा जाने जाते थे हजू ने यह नहीं फरमाया वहां पर कि तुम इसका मुकाबला बल्कि हजूर ने फरमाया कि तुम पैसे देकर अगर अरब के उलमा भी बुलाना चाहो तो वो भी तुम्हें इजाजत है कि तुम अपने साथ अरब के उलमा जो अरबी दानी में अपना उबूर रखते हैं प्रोफेसर हैं फुकाहा हैं उलमा हैं उनको ले आओ और फिर हजूर ने अपना चैलेंज वहां पर पे पेश किया और फरमाया और ये जो किताब हजूर की है एजाजल मसीह इसके टाइटल पर यह लिखा है कि हाजल किताबू फल सला जवाब कि ये वो किताब है कि जिसका कोई जवाब नहीं है फिर मसीह जो हजर मसीम सात ने सत्तर दिनों में मुकम्मल की किताब सूरत फातहा उसमें तफसीर लिखी है उसमें फरमाया कि कोई नहीं है जो इसका जवाब देना जो देना चाहे अल्लाह ताला, ये हो नहीं सकता कि वो जवाब देने पर कादिर हो सके और फिर ये फरमाया कि जो इसका जवाब देगा इसके टाइटल पेज पे ये बातें लिखी हैं यानी कि जब ये ये किताब शाये हुई है उसके बाद तो चाहिए था कि टाइटल का सफ़ा देख के पूरी जो मुखालफत या मुखालफी की जो टोली थी वो कोई ना कोई किताब बना के पेश कर देती लेकिन क्यों हिम्मत नहीं हुई किसी की वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि कुरान करीम के जो मतालब थे जो मफाहिम थे वो हज़रत मसीह माउद्लाम पर अल्लाह ताली ने खोले हैं और यही वो मुराद है कि कुरान के ज़िल पर अल्लाह ताली ने उनको वो इलम दिया है चुनाच हजूर ने जब वो किताब लोगों के सामने पेश की तो एक शख्स का नाम आता है मोहम्मद हसैन फैज़ी वो एक जाम मस्जिद के इमाम भी थे और उन्होंने हजर मसीम की जो किताब है मसीह, उसके साइट पे नोट नोट्स जो हैं वो लिखने शुरू भी किए जिस पे हज़र मसीह सलाम को ये इल्हाम होता है कि जिसने किताब का लिखने का इरादा किया है मनाहू कि उसको मना कर दिया है मना करने वाले ने आसमान से तो वो अभी किताब को अपने नोट्स मुकम्मल नहीं करते कि वो वफात पा जाते हैं उसी किताब का सहारा लेकर जो सैफ चश्सियाई के नाम से पीर मेहर अली साहब ने किताब शाया की तो वो भी उर्दू जबान में की उनकी जो हकीकत थी वो भी लोगों के सामने आई कि वो किस तरह नोट्स को चुरा के उन्होंने वो किताब लिखी है औरजर वसीम के मुकाबले पर आए लेकिन हजर वसीम उत असल्लाम को चूंकि अल्लाह तौर ने फरमाया इन मन अराधा यहाँ तक कि मैं उसे जलीलो ख्वार करके रख दूँगा जो तुझे जलील करने की कोशिश करेगा तो उनकी जो इलमी लियाकत थी या बातें थी वह भी लोगों के सामने आ गई तो इस तरह हजरत मसीह मौदा जो थे एक कामयाब जर्नेल की तरह इस माहौल में या इस अपने जो मार्के में कामयाब रहे फिर अगर हम बात करें ये अहमद साहब का जो दूसरा सवाल था इसमें हो गया है जी तो जब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हजरत हजर खलीफातमसी रजी अल्लाह तनों के ज़माने में आते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है जो देवबंदी और बरेलवी मकातब फ़िक्र हैं फिरके हैं इनके यानी के मुतफ़ा तौर पर इन बुजुर्गों को मानते हैं उबैदुल्ला सिंधी जिनका नाम है जी। वो भी इस बात को लिखते हैं कि वो हरम में थे तो किसी के सवाल करने पर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बताया कि हकीम मौलवी नूरुद्दीन जैसा आलम कुरान में किसी को नहीं समझता तो किसी ने वहां पे गुस्से में ये कहा कि मौलवी साहब आपको पता नहीं वो कादियानी है तो इसपे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी साहब कहते हैं कि मैंने कब कहा कि वो कादियानी नहीं है जो बात हक हाँ थी वो मैंने पेश कर दी हजर सानी रज़ी अल्लाह तु का ज़माना आता है हजूर कुरान के जरिए एक जो तफसर कबीर के नाम से मसूम है दस जल्दों में एक बेश बहा ख़जाना जो है वो उम्मत के सामने रखते हैं और बहुत सारे ऐसे हवाले हमारे पास मौजूद हैं कि उस ज़माने के जो चोटी के ऊलमात थे उन्होंने लिखा था कि तफसीर कबीर में हज़रत खलीफ़तलमसी ानी या जमात के जो दूसरे खलीफा हैं जो उन्होंने जुनेम बयान कर दिए हैं किसी और के बस की बात नहीं थी जिस तरह ब्राहन के मतलब मौलवी मोहम्मद हुसैन बुटालवी ने यह कहा था कि चौदह सौ साल में इसकी नज़ीर नहीं मिलती इसी तरह हज़रत खलीफुलमसी सानी रज़ अल्लाह तुकी की जो तफसीर है उसका जवाब नहीं है और फिर हम आगे आते हैं जखिलीफतमसीस रहमल्ला के ज़माने में रब रहल्ल के जमाने में मजूदा हज़ूर के ज़माने में, में तो हम ये देखते हैं कि जमात अहमदिया ने जिस तरह कुरान करीम की ख़िदमत की है वो सत्तर से जायद जबानों में खुदा ताला के फल से क़ुरान करीम का जो तर्जमा है वो जमात अहमदिया की तरफ से प्रिंट शुदा है जमात अहमदिया पर यह जो बढ़ चढ़ कर एतराज़ करते हैं या उनको नीचा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं इनके अपने पल्ले क्या है जहाँ पे भी दुनिया में कुरान करीम के ख़िलाफ़ कहीं पे बात होती है जमात अहमदिया फोर फ्रंट पे होती है उस बात के इशू करने के उसको एड्रेस करने के लिए जहाँ पे भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोज़ पे हमला किया जाता है खुदा ताली के फज़ल से जमात अहमदिया फोर फ्रंट पे होती है उसका जवाब देने के लिए और खुदा तला का ये फ़जल है कि अल्लाह ताली ने हमें तोफीक दी है कि बहुत सारे मुल्कों में अगर इस्लाम के बारे में उन्होंने कोई बात पूछनी हो तो वो खुदा वो जमत अहमदिया से राता करते हैं मसाजिद से राबा करते हैं तो ये भी अल्लाह तला का एक बहुत बड़ा फजल है तो जमत अहमदिया ने जिस तरह इस्लाम की या कुरान करीम की खिदमत की है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और इसकी जो मैंने मिसाल बयान की है कि सत्तर से जायद कुरान करीम की या दुनिया की जबानों में कुरान करीम का तर्जमा यह हमारे मुखालफी जितना मर्जी बड़े मारते रहे हैं जितने मर्जी शोर मचाते रहें और ये दावे करते रहे इनके दावे महज खोखले होंगे और किसी बुनियाद पर खड़े नहीं होंगे जब तक वो करके ना दिखाएं जो जमात अहमदिया करती है और जमत अहमदिया ने जो किया वो ये लोग मजमुई तौर पर भी वो काम नहीं कर सके जो जमात अहमदिया ने तन तना किया है बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल साहेबिन कराम आप प्रोग्राम रेडिया अहमदिया समात फरमा रहे हैं आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम हर इतवार की शाम छह से आठ बजे के दरमियान ट्रांटो में ई एम थर्टीन फिफ्टी पे और मॉन्ट्रियल में ई एम सिक्सटीन टेन पे बैक वक्त पेश किया जाता है प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब अब्दुल नूर आबिद साहब और सोहेब अहमद साहब मौजूद हैं सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है माह माहिर रमजानबारक की मुनासब से हमारे प्रोग्राम का आज का मौजूद पुरानी करीम है आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं फोर वन सिक्स सेवन जीरो जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन और अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ई मेल शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी आई डी है क्यू आई क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी एन क्वेश्चन आंसर एट वॉइसलाम डॉट सी ए सामि कर आपको बताते चलें कि मस्जिद बैतूल इस्लाम जो कि वॉन में मौजूद है उसके नवाज़ से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे अफतार का वक्त आज आठ बजकर तेरह मिनट है जबकि मॉन्ट्रियाल में अफ्तार का वक्त सात बजकर तिरपन मिनट है सात बजकर तिरपन मिनट पर तकरीबन हम इस प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे और उसके बाद आपकी खिदमत में प्रोग्राम के अख्ताम तक एक हज़रत मसी मौत सलातम का कसीदा पेश किया जाएगा इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ अमीन बने 120 साल, हुए। जब तक के हाथ में था, 400 साल तक उसका कोई तर्जुमा नहीं हुआ क्योंकि अरबी जबानी जबान में क्या तर्जुमा होगा एक हजार साल से तर्जुमा कर रही है ये पढ़ के नहीं है ये आपके सामने आपके तो सत्तर जबान है ना दुनिया में जितनी जबान है अलमदला सारी जबानों में पाक का तर्जुमा मौजूद है ये आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं तो ये फर नहीं है ये वाद सबूत है दूसरा आपका सवाल था कि मुता ताला के और जो कुरान की समझ है वो अदा करता है तो हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों की करो तादाद में इन इस उम्मत मोहम्मद में गुजरे है मुताारून किसी एक ने भी नबूत का दावा नहीं किया किसी को एक नाम बता दें और मेरा आखिर हजरत सलमान फारसी रजीला के कंधे पर वो अधूरा रह गया था जब अल्लाह नबीम ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो फारस फारस के थे सलमान फारसी भी रजीला और उनके आने वाला जिनके बारे में बताया गया वो भी फारसी थे आपके मिर्जा गुलाम फारसी नहीं थे तो ये बात की सबसे बड़ी दरीर है ये नहीं था। थी है नहीं था। आ... तो के लिए ठीक है तो ये एक एक साल चल रहा है जी अब्दुल रफी साहब बाकी सवाल की तरफ, तरफ, तरफ जी वो ये कहते हैं कि ये बढ़ नहीं है बल्कि इंटरनेट पर देख लें कि दुनिया में जितनी भी जबान पाई जाती है सब के अंदर तर्जमे मौजूद जी। तो ये तो भाई बिल्कुल खुला खुला झूठ है जो रमज़ान के बबरकत याम में मौलाना अमीन साहब ने बोला है बिल्कुल अफ्तारी से पहले बिल्कुल से पहले तो इसका कोई सबूत भी पेश करना चाहिए था ना इनको तो अपने घर से अगर कोई वेबसाइट इन्होंने बनाई हो और वो चढ़ाई हो और उसका हवाला मुझे पेश करना चाहे तो वो अलहदा बात है लेकिन आ, आ, मेरा ख्याल है कि वो ऐसा करने पर दलीरी नहीं करेंगे क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है आपका जो खुद उर्दू जबान के तराज है आप थोड़ा सा पीछे जाकर देख लें तो सौ साल पहले भी आपको इसका तर्जा फारसी में जो तराजम हैं वो भी बड़ी देर के बाद आए हैं तो जहाँ तक दुनिया में तो बहुत सारा ऐसा इलाका भी मौजूद है जहाँ पे इस्लाम का नाम नहीं पहुँचा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जमत अहमदिया जो है वो पैगाम पहुँचाती है और उन्होंने इस्लाम का नाम भी नहीं सुना हुआ बहुत सारी कौम ऐसी अभी बाकी हैं तो खुदा तजल से जमात अहमदिया उन पर पे, उनका पैगाम उन तक पहुँचाती इस्लाम का पैगाम उन तक पहुँचाती है तो ये आपकी आपने वाकई ही बाढ़ मारी है मैंने तो एक बात की थी आपने उसका सबूत दे दिया अमली तौर पर यह आपने जो बात की है कि दुनिया की तमाम के तमाम जबानों में कुरान करीम के तराजम हैं और आपने ये फरमाया है कि इंटरनेट पर मैं देख लूँ तो बहरहाल मुझे तो ऐसी कोई वेबसाइट नहीं मिली आप आ, से दरख्वास्त है कि आप दोबारा फ़ोन पे आएँ और इसका जो कोई लिंक है वो मुझे ज़रूर दें और ये मैंने अब आपको इन अगले प्रोग्रामों में भी मुझे तफ़ीक अगर मिली आने की तो ये मैंने आपसे पूछना ज़रूर है कि वो वेबसाइट कौन सी है जिस पर आपने ये फरमाया था दावा किया था रमज़ान में अवतारी से बिल्कुल पहले जिस तरह कुदूस साहब ने फरमाया है कि अवतारी से बिल्कुल पहले आपने ये बात की है तो मैंने आपसे वेबसाइट का हवाला ज़रूर पूछना है तो जब भी आएंगे ये अब आपसे उधार है तो आप ये कोशिश करें कि या तो अभी अगर जवाब दे, दे दें ताकि हमारे जो सामहही आपकी इस बात से महजूज़ हुए हैं वो उसका जवाब भी सुन लें और अगर आप किसी और वक्त में अगर इसको टालना चाहें तो दोबारा टलने मैं नहीं दूंगा इन मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद कराता रहूं कि आपने एक वेबसाइट है जिसका हवाला देना है दूसरी आपने बात की कि खुदा तला के फजल से मुतारून जो हैं वो लाखों होते रहे हैं करोड़ों होते रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कुर करीम की जो खदमत है वो जो भी करे कुर करीम में फरमाया कि व जाहिद हूँ बिहार जहादन कबीरा कि कुरान करीम के जरिए जो है वो जहाद कबीर करो तो कुरने करीम की बातों को फैलाना उन पर अमल करना ये मुतान का ही खासा है लेकिन एक जो आपने बात की है कि किसी एक ने भी दावे नबूवत नहीं किया तो अमीन साहब एक छोटी सी बात मैं आपकी खिदमत में बात पेश कर दूं कि नबूवत का दावा अज खुद अगर कोई करे ना तो वो झूठा होता है लेकिन अगर कोई ये बात करे कि मुझे खुदा ताला ने यह बताया है कि वो नबी है और उसका पैगाम आगे देता है तो वो बहरहाल सच्चा है और जब उसकी सच्चाई के जैल में जाएंगे तो फिर हमारे पास दूसरी बहुत सारी आयात हैं क़ुरान करीम की जो ये देखेगी कि फ़लाँ बंदा अपने दावे नबूत में सच्चा है कि नहीं है उस पर भी हम बात कर सकते हैं लेकिन चूंकि अभी आपने ये सवाल किया है कि किसी एक ने भी दावा नहीं किया तो मैं बड़ी आजी के साथ आपकी खिदमत में कुरान करीम की एक आयत पेश करता हूँ सूरत अल्लाह नाम की है अल्लाह ताली फरमाता है आलम अल्लाम हैसुआज रसालत कि अल्लाह ताली बेहतर जानता है कि उसने कब कहाँ और किस को नबी बनाना है आपका जो खुद राशिदा जो आपने अभी एक बात की है कि उन तमाम मताहरून में से किसी ने नबूत का दावा नहीं किया अगर नहीं किया तो बिल्कुल ठीक किया क्योंकि उनके साथ ख़ुदा ताल के ये वादे नहीं थे कि वो नबी हों हज़रत मसीह मऊदात के साथ ये वादे थे हजूर ने यह दावा किया और वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हसम की बातों को लेकर उनकी पेशगियों के मुताबिक किया है और एन सदी पे किया है कि जब उसकी जरूरत थी बाकियों को अगर जरूरत नहीं थी तो उन्होंने नहीं किया या उनको अल्लाह तला की तरफ से इल्का नहीं हुआ तो उससे ये कहां से साबित हो जाता है कि चूंकि उन्होंने नहीं किया तो मिर्जा साहब ने क्यों कर दिया नबी ने तो आना है ना बात यह है कि आप ये कहते हैं कि वो नबी आना है जो हजरत मूसलातम की उम्मत में से था हम ये कहते हैं फर्क यहां पे यह है हम ये कहते हैं कि वो नबी हजरत ईसा सलात वफात पा चुके हैं और उसकी मिसालें मैंने कुरान करीम से दी हैं अहदीस से दी हैं और जिस नबी का वादा है वो उम्मत मुहमदिया में से आना है इतना सा फर्क है बहरहल ये बात करना कि उन्होंने चूंकि नबूत का दावा नहीं किया तो मिर्जा साहब ने कैसे कर दिया ये बिल्कुल एक आ, ऐसी बात है कि जिसकी कोई सनत नहीं है ये आपने बिल्कुल अपनी तरफ से एक आ, बात करने की कोशिश की है और जो पूरी तरह चली नहीं है तीसरी बात आपने यहाँ पे यह की थी कि इमाम अबू हनीफा जो थे वो उन पर इतलाक पाती है मैंने ये अर्ज की थी वो आपका अपना और चंद जो लोग हैं उनका एक बात तो हो सकती है लेकिन आपने जो पिछले फ़ोन पे ये तासुर देने की कोशिश की थी कि तमाम के तमाम मुसलमान ये समझते हैं ऐसा नहीं है एक फिरका ज़रूर इस बारे में समझता है वो इमाम अबू हनीफा की तकलीद करने वाले हैं बाकी इनको ये मर्तबा नहीं देते जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं अब दूसरी बात सुनिए आपने जहां तक ये बात का जिक्र किया है कि जो आना था वो फारसी नसल में होना था तो एक खुशखबरी मैं आपकी खिदमत में यहाँ पे पेश कर दूँ हज़रत मसीह माउद सलाम के जो आबाव वजदाद थे वो परजिया से या उस एरिए से हिजरत करके कादियान में आए थे या उन इलाकों में वहाँ पे आए थे हजर मसीह सलाम ने अपनी किताबों में और अपनी लिटरेचर में इस बारे में बड़े खोल के और बड़े वाशगाफ अल्फाज में लिखा है किसी को आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि उन दस्तावीज़ा को चैलेंज कर सके अगर उनको चैलेंज किसी ने नहीं किया तो लाजमी तौर पर यह बात बनती है जो हज़ब मसीह मौलि ने की है तो बहरहाल ये आपके लिए एक खुशखबरी है और अब आपको ये मेरा खलूस दिल के साथ ये दावत कि आप जमात अहमदिया को कबूल करें और चूंकि आपने जो एक दलील दी थी उसके मुताबिक हजर मसीह मौदिल तो बहरहाल पूरे उतरते हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया राफिब साहब इस वक्त कोई कॉलर तो हमारे साथ मौजूद नहीं है कॉलर हैं मौजूद अमीन साहब हैं दोबारा हमारे साथ जी अमीन साहब सलामकम जी अमीन साहब अगर चाहता हूँ आपको फिर आना पड़ा मुझे सुरे नाम की जो आपने आयत पढ़ी ना जी अमीन तो साहब तो 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 मैंने आपसे एक सवाल किया था उसका वो आपने वेबसाइट का नहीं बताया मुझे वो काइंडली पहले बता दें उसके बाद आप, आप, आप चेक कर दुनिया के खर्च में आपको पता चल जाएंगे कितने आपको पता चल जाएगा कि मैंने तारीख के टाइम पे झूठ बोला कि कहाँ से झूठ बोला जा रहा है आपको पता चल जाएगा की सत्तर सत्तर जबानों में आपके ज्यादा तर्ज में हमारे ज्यादा है तो आपको पता चल जाएगा कि मौलवी अमीन झूठ बोल रहा है कि सामने से झूठ बोला जा रहा है आपको आपको छोटे बच्चे नहीं आपको पता है की वेबसाइट होती है कि एक मिनट बता देगा की सत्तर है दुनिया में ज्यादा मुसलमानों ने इस्लाम ने किए अभी पता चल जाएगा कि कौन सच रहा है और दूसरा जो आपने अभी सुन अनाम की आयत पढ़ी उस वक्त ने मक्का ने, एतराज किया तुम कौन होते हो एतराज करने वाले अल्लाह जिसे चाहता है अपनी तरफ ये आयत को मोड़ के कुछ फहमी में मुबतला होने वाले भले होते रहे लेकिन ये इस आयत का असल यही है। चलो ठीक है तो जनाब ठीक है ओके। जी जीजमल्ला मुझे तो खुशी होती है कि अगर ये वेबसाइट का बता देते उन्होंने ये कह दिया कि आप बच्चे तो नहीं है मुझे <laughs> मुझे फील हो रहा है कि ये शायद खुद बच्चा बनने की कोशिश करते हैं बहरहाल अभी तो ये शायद गाड़ी चला रहे थे आवाज इस किस्म की आ रही थी ये किसी जगह पे रुकेंगे इंशाल्लाह अपने फोन पे ये बिल्कुल वेबसाइट सेव कर लें जी जी और अपने किसी प्रोग्राम में हम बताएं जरूर ई मेल कर दे तो मेल कर दें बिल्कुल ताकि हम बाकियों को भी बता देना उससे महरूम क्यों है हम जो ये बात करते हैं तो मेरा मतलब ये सामने आ जाएगी कि वाकई बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता नहीं पता पता चल जाएगी हाँ जी बिल्कुल तो ख्वाजा का गोवा डू बनने वाली बात है तो ये इसमें तो परेशानी वाली बात कोई नहीं है पता लग जाएगा मौलवी मीन साहब ठीक कह रहे हैं या कोई और ठीक कह रहा है बहरहाल आपने ये जो बात की थी ना मैं आपको ये बात बता दूं अब आप तो अपनी बात से थोड़ा सा फिरे हैं आपने ये बात की थी कि दुनिया की हर जबान में तर्जमा मौजूद है ये ये आपने दावा किया था अप, अपना जो ये जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है ये आप सुन भी सकते हैं हमारी इस पर चल भी जाता है तो आपने ये फरमाया था कि दुनिया की हर जबान के अंदर दुनिया की हर जबान के अंदर कुरने करीम का तर्जमा हो चुका हुआ है तो मैंने आपसे वेबसाइट का हवाला मांगा था तो आपने मुझे इधर उधर की सुना दी है मुझे उम्मीद है कि शायद अगले सवाल पे आप बात इस तरफ आ जाए आपने ये बात की है कि ये ख़ास तौर पर जो मुशरक थे उन्होंने सल्लाह वम से पूछा था तो उस पर फिर अल्लाह तला ने यह जवाब दिया है बात ये है कि कुरान करीम का जो उसलूब है वो ये होता है कि कुरान करीम कम्पलीट कोड ऑफ लाइफ है कुरान करीम से हमने जो दलाइल हैं वो अखज करने हैं और उसी के नतीजे में हम ये देखेंगे कि अल्लाह ताला हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है मिसाल के तौर पे आप कुल पढ़ते हैं कुरान करीम में मसलन मसला अज़ब्लिम नशी तजी बिस्मिल कुल अहद अब कुल से मुराद तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि उन पर नाजिल हुआ आप क्यों पढ़ते हैं हिफ्स क्यों करते हैं आप आप ये क्यों कहते हैं कि आपको यह हुक्म नहीं है कि कुल के तू भी कह दे कि अल्लाह एक है कहते हैं ना जी और इसको समझते भी हैं अगर तो ये सिर्फ हजरत वसल्लम के बारे में होती तो फिर आपको इसको पढ़ने की इजाजत ना होती या आप अल्लाह तला को एक ना मानते वो तो आप ये कह देते कि नहीं हो तो सिर्फ हजरत वसल्लम के बारे में हम क्यों करें इसी तरह जो कुरान करीम की जो दूसरी आयात हैं उसके अंदर से हम दलाइल निकालते हैं और कुरान करीम ये फरमाता है कि कुरान करीम एक ऐसा ख़ज़ाना है कि जिसके ख़ज़ाने जो हैं वो वक्ता फवक्तन जाहिर होते रहते हैं और बजाहिर एक आयत किसी हवाले से पेश की जाती है और वही आयत दूसरे मतालब के लिहाज से भी बिल्कुल फिट बैठती है तो जहां पे अल्लाह ताला ने आ हजरत सल्ला वम की नबूत की सदाकत के लिए बाज बातें बयान की हैं वही बातें हम इस जमाने में कोई भी जो उम्मत मोहम्मदिया में नबूत का दावा करता है उसके बारे में भी हम वो आयतें ले सकते हैं क्योंकि वो मैार है जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम की के लिए बयान कर दिया अब यही बात है कि उस जमाने में मुशरकिन ये करते थे कि मिर्ज़ा आपके हजरत नसीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वम ने दावा क्यों कर दिया आज आप ये दावा करते हैं ये ऐलान करते हैं तो जवाब दोनों का एक है सवाल भी दोनों का एक है उस जमाने के मुशरकिन ये एतराज करते थे इस ज़माने में आप ये बात कर रहे हैं और एतराज़ दोनों में ये है कि अल्लाह ताली बेहतर जानता है कि उसने नबी किस बनाना है तो असल बात की तरफ आना चाहिए असल बात यह थी कि आपने ये फरमाया था मौलवी अमीन साहेब आप अपने मुँह से चूंकि आपने अपने आप को मौलवी अमीन कहा है तो इसलिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं आपने यह फरमाया था कि मुताहरून जो हैं वो लाखों करोड़ों हैं उसमें से किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया उसके जेल में मैंने ये बात पेश की है क्योंकि उनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं था मिला और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला ने किसको नबी बनाना है तो अगर ये आयत इस जमाने में पूरी नहीं होती और पुराने जमाने में पूरी होती है तो इससे फिर यह भी मुराद ली जाएगी कि आप कुरान करीम की तमाम आयात को इस जमाने में एप्लीकेबल नहीं समझते तो इस इन बातों पर बर मेहरबानी अपना जायज़ा भी लें और अगर आप आए और थोड़ा सा गाड़ी रोक के अगर आप मुझे वो वेबसाइट ढूंढ दें पहले ख़ुदा के लिए उससे थोड़ी सी आसानी भी हो जाएगी और हमें बात की समझ भी लग जाएगी पहले तो ये बता दें कि वो कौन सी दुनिया में जबानें कितनी है चलें यही बता दें ये शायद आपको असबर हों वैसे ही भले यह बता दें फिर आप ये बता दें कि वो तराजम में कहाँ पर हैं मैं पी अगर हासिल करना चाहूँ तो वो कहाँ से लूंगा और ये सारी बातें आप कम अज कम मुझे बता दें जमात अहमदी पे पर एतराज़ करना बढ़ मारना एक बात है अमली तौर पर उसको साबित करना दूसरी बात है अब आपने जो बात की है उम, आ, मुझे उम्मीद है कि आप उनकी बातों अपनी बात पर कम अज कम कायम रहेंगे कुरान करीम की आपने नहीं माननी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम की आपने नहीं माननी की कीामा की और दूसरे बुजुर्गानी ने की आपने नहीं मानी आप ना माने कम अज़ कम अपने आप को ना झुटनाएं अभी आपने बात की है कि दुनिया की तमाम की तमाम जबानों में कुरान करीम का तर्जुमा मौजूद है आप मुझे वो हवाला दें वो वेबसाइट आपने मुझे जरूर पेश करनी है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में शायद आपका दोबारा फोन आए और मुझे वो वेबसाइट मिल जाए जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल राबी साहब हमारे पास तकरीबन तीन से चार पाँच मिनट तकरीबन बाकी हैं अगर सोहेब अहमद साहब हमारी कुछ हमारे सामीन के लिए अगर कुछ एक तपास मजीद पेश करते हैं जी जजाक जी हजरत मसीह मऊदत सलाम फरमाते हैं अपनी तहरीर चश्मा मार्फत में यह अमर साबित शुदा है कि कुरान शरीफ ने दीन के कामिल करने का हक अदा कर दिया है जैसा कि वह खुद फरमाता है अलम अकमल तो रकुम दीना कुम व आत्मम तोम नेमती इस्लाम दीना यानी आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए कामिल कर दिया है और अपनी नमत तुम पर पूरी कर दी है और मैं इस्लाम को तुम्हारा दीन करके खुश हुआ सो कुरान शरीफ के बाद किसी किताब को कदम रखने की जगह नहीं क्योंकि जिस क़दर इंसान की हाजत थी वो सब कुछ कुरान शरीफ बयान कर चुका अब सिर्फ मकाल इलाहिया का दरवाज़ा खुला है और वो भी खुद ब खुद नहीं बल्कि सच्चे और पाक मुकालमात, जो शरी और खुले तौर पर नुसरत इलाही का रंग अपने अंदर रखते हैं और बहुत से अमूर गैबिया पर मुश्तम होते हैं वह बात तस्किया नफ़्स महज पैरवी कुरान शरीफ़ और इतबा वसल्लम से हासिल होते हैं यह जैसे मैंने फ़रमाया चश्मा मार्फत का हवाला था फिर हजूर अलातम अपनी तहरीर बराहीन अहमदिया में फ़रमाते हैं हमारा खुदा वंदे करीम के जो दिलों के पोशीदा भेदों को ख़ूब जानता है इस बात पर गवाह है कि अगर कोई शख्स एक जर्रे का हजारम हिस्सा भी कुरान शरीफ की तालीम में कुछ नुख्स निकाल सके या बामक़ाबला उसके अपनी किसी किताब की एक ज़र्रा भर कोई ऐसी खूबी साबित कर सके कि जो कुरानी तालीम के बरखिलाफ हो और उससे बेहतर हो तो हम सजाए मौत भी कबूल करने को तैयार हैं फिर हजूर आलातम मजीद अपनी इसी तहरीर ब्राहीन अहमदिया में फरमाते हैं वो यकीनी और कामिल और आसान जरिया कि जिससे बग़ैर तकलीफ़ और मशक्क़त और मज़ात शकूक और शबहत और खता और सहव के असूल सही माँ मा उनकी दलाइल अकलिया के मालूम हो जाएँ और यकीन कामिल से मालूम हों वो क़ुरान शरीफ है और बजस उसके दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं और ना कोई ऐसा दूसरा ज़रिया है कि जिससे ये मकसद आज़म हमारा पूरा हो सके फिर हजूर मजीद अपनी तहरीर चश्मा मार्फत में फ़रमाते हैं अब ए साहबो मैं ये बयान करता हूँ कि वो इम्तियाज़ी निशान कि जो इल्हामी किताब की शनाख्त के लिए अकल सलीम ने करार दिया है वो सिर्फ़ खुदा तला की मुकदस किताब क़ुरान शरीफ में पाया जाता है और इस ज़माने में वो तमाम ख़ूबियाँ जो खुदा की किताब में इम्तियाज़ी निशान के तौर पर होनी चाहिए दूसरी किताबों में कतन मफकूद हैं मुमकिन है कि उनमें वह ख़ूबियाँ पहले ज़माने में होंगी मगर अब नहीं हैं और गो हम एक दलील से जो हम पहले लिख चुके हैं उनको इल्हामी किताबें समझते हैं मगर वो गो इल्हामी हो, लेकिन अपनी मौजूदा हालत के लिहाज से बिल्कुल बेसूद है और इस शाही और उस शाही किले की तरह है जो खाली और वेरान पड़ा है और दौलत और फौजी ताकत सब उसमें कूच कर गई है फिर हजूर हजूर आसात वसलाम मजीद अपनी तहरीर ब्राहिन अहमदिया में फरमाते हैं अगर कोई मुखालफी इस्लाम में से ये इतराज़ करे कि कुरान शरीफ को सब इल्हामी किताबों से अफजल और आला करार देने में ये लाजिम आता है कि दूसरी इल्हामी किताबें अदना दर्जे की हों हालांकि वो सब एक खुदा के कलाम है उसमें अदना और आला क्यों कर तजवीज़ हो सकता है तो इसका जवाब यह है कि बेशक बातबार नफ़ इलाहाम के सब किताबें मसावी हैं मगर बातबार ज़्यादत बयान अमूर मुकाम अमूर मकमलत दीन के बास को बास पर फजीलत है बस इसी जोहद से कुरे शरीफ को सब किताबों पर फजीलत हासिल है क्योंकि जिस कदर कुरान शरीफ़ में अमूर तकमील दीन के जैसे मसाइल तोहीद और ममानत अनवाकसाम शिरक और मोलिजात अमराज रूहानी और दलायल अबताल मज़ाहब बातला और ब्राहीण इस्पात अकायद हका वगैरह बकमाल शद वमद बयान फरमाए गए हैं वह दूसरी किताबों में दर्ज नहीं बहुत बहुत शुक्रिया सामिन इकराम आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया एम थर्टीन फिफ्टी पे टोरंटो और एम सिक्सटीन टेन पे मॉन्ट्रियल में समात फरमा रहे थे प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब अब्दुल नूर आबद साहब और सोहेब अहमद साहेब मौजूद थे खाकसार आप दोनों हजरात का मशहूर और इसी तरह सामिन इमाम खाकसारमनूम जो प्रोग्राम को सुनते हैं और इसमें किसी न किसी रंग में शामिल रहते हैं कंट्रोल पैनल पर हमें अयाज़ महमूद साहब की खदम हासिल रहीं अगले थवार की शाम 6:00 से 8:00 बजे के दरमियान इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए तौल्कोद साहिर को इजाजत दीजिए अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज अमान में रखे आमीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू दुनिया व मासिंसानी محمدا كردافة فتن وبه الوصول بسدة